चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? एंटीमेट करें बेटा, वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस का इश्यू है क्या किसी को? चलिए, तो मेरे ख्याल से वॉइस का किसी को कोई भी इश्यू नहीं होगा। ठीक है, सारी चीजें फाइन है। चलिए, मेरे ख्याल से सारी चीजें फाइन है। चलिए, तो हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सेल्फ डुअल पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? सेल्फ डुअल। ठीक है, सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो है, अगर हम किसी बूलियन एक्सप्रेशन या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन, अगर मेरे पास कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन को क्या ही बोलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन है, और अगर मैं इस लॉजिकल या फिर बूलियन एक्सप्रेशन का एक टाइम क्या ले लूं, डुअल ले लूं, किसी भी बूलियन या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन का एक टाइम डुअल लेने पे अगर फिर से वही लॉजिकल या फिर बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो ऐसे बूलियन एक्सप्रेशन को हम लोग सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको डिफिनेशन क्लियर होगी कि सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का वन टाइम डुअल लेने पे अगर सेम बूलियन एक्सप्रेशन आता है, तो ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाएगा? सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, सेल्फ डुअल की डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अगर किसी बूलियन एक्सप्रेशन, नॉर्मल एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल बूलियन एक्सप्रेशन का अगर दो बार आप डुअल लेंगे, तब वो सेम आपका जो है एक्सप्रेशन आता था। ठीक है, तो आपका नॉर्मल एक्सप्रेशन और सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन में आपको जो है अंतर समझ में आना चाहिए। सेल्फ डुअल वो बूलियन एक्सप्रेशन होता है जिस बूलियन एक्सप्रेशन का केवल एक टाइम डुअल लेने पे रिजल्ट फिर से वही बूलियन एक्सप्रेशन या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन आ जाए, तो ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाएगा? सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन कहलाएगा। हेडिंग को थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन हेडिंग डाल लीजिएगा, सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन। ठीक है, सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन के बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि सेल्फ डुअल का एग्जाम्पल क्या होगा। नाउ यू कैन बी सी द पिक्चर एग्जाम्पल। मान लीजिए मेरे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है, दैट इज नथिंग बट द ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये बूलियन एक्सप्रेशन है। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूं कि ये बूलियन एक्सप्रेशन मेरा सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सेल्फ डुअल की डिफिनेशन है कि अगर किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को आपको चेक करना हो सेल्फ डुअल है कि नहीं, आप उसका क्या कर लीजिए बेटा, एक बार डुअल ले लीजिए। अगर इस एक्सप्रेशन का डुअल लेने पे फिर से यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आपका सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन कहलाएगा। मंगल डाकू सर, एक बार फिर से बता दीजिए, अभी को ज्वाइन किया हूं भाई। डाकू साहब, आप लेट कैसे हो गए हैं? वो भी मंगल ग्रह के डाकू होते हुए तुम तो जो मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ठीक है, अभी ज्वाइन किए हैं, लेट है, तो अब मैं क्या करूं? ठीक है, चलो मैं इसका डुअल ले रहा हूं। नाउ आई कैन बी टेकन द डुअल। डुअल लेंगे तो ये बताओ, मैंने बताया था कि जैसे हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं, तो डुअल को भी उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चंबल का डाकू है सर, बिल्कुल। तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे और फिर इनका क्या करेंगे? आर ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, आर ऑपरेशन। ठीक है, तो जनरली मैंने आपको बताया था कि जब आप डुअल लेते हैं तो आप प्रायोरिटी देते हैं सबसे पहले एंड ऑपरेशन को, फिर उसके बाद आर ऑपरेशन को। तो सबसे पहले मैं इसका डुअल लिखूंगा और इसका डुअल लिखूंगा। डुअल लिखते समय वेरिएबल को जैसा था वैसे रखना है, और आप एंड ऑपरेशन को और ऑपरेशन से क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, एंड को और से बाद में फिर और ऑपरेटर को एंड से। तो इसका डुअल फंक्शन क्या आएगा बेटा, दैट इज ए प्लस बी, ये हुआ इसका डुअल आएगा बी प्लस सी। वेरिएबल जैसे थे वैसे ही रखना है। नाउ दिस इज ए प्लस सी।
फिर आप क्या करेंगे, एंड को और को किससे कन्वर्ट करेंगे, एंड से, तो यहां पर क्या जाएगा डॉट। नाउ दिस इज डुअल, तो इस एक्सप्रेशन का ये डुअल है, ठीक है। और जब मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई अगर करूंगा तो आप देखेंगे सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। सर वीडियो लैग कर रहा है, बेटा वीडियो मेरी तरफ से क्लियर है, आपकी तरफ हो सकता है कि थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो, इस वजह से लैगिंग का प्रॉब्लम हो, बाकी लैग नहीं कर रहा है। आप फिर से एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए, नेट प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी बाकी सभी लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर है, क्या किसी को कोई इश्यू है क्या? चलो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ। चलिए मिनिमाइज करते हैं, तो ये बताइए, अच्छा जो आपका और ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर जो होता है क्या वो आपका कॉम्युलेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। क्रम विनिमय का मतलब कि ए प्लस बी इज आल्सो इक्वल टू बी प्लस ए, तो मैं इसको लिख देता हूं बी प्लस ए, बी प्लस ए, नाउ बी प्लस सी, एंड नाउ दैट इज ए प्लस सी। और आपको दिख रहा होगा बेटा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, और बेटा पहला और तीसरा बराबर है, तो यहां पर आप P1 लगाते हैं, ट्रांसपोजिशन थ्योरम आपका 1 लगा सकते हैं। सर पिछले लेक्चर का स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, मैं इस लेक्चर के बाद आपका नोट शेयर कर दूंगा, पिछले लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में आपका बीच में थोड़ी देर के लिए स्क्रीन में आपका जो है एक एड आ गया था, बताओ आप देखेंगे यहाँ पर T1 लगा है, T1 का रिजल्ट क्या होता है, पहले का तीसरे से गुणा, दूसरे का चौथे से गुणा, ठीक है, पहले का तीसरे से गुणा और बेटा दूसरे का चौथे से गुणा, तो व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट विल बी देयर दैट इज बी इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इंटू कितना आ जाएगा ए प्लस सी, और आपको मालूम है बी इंटू बी कितना हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए सी, नाउ ए प्लस सी। अब यहां पर T1 इवन नहीं लगा सकते, फॉर्मेट तो है कि 1 2 3 4 है, लेकिन या तो बेटा पहला तीसरे के बराबर होना चाहिए, फिर पहला तीसरे के कॉम्प्लीमेंट, दोनों में से कुछ नहीं है तो T1 नहीं लगा सकते, आपको डायरेक्टली अब गुणा करना पड़ेगा। चलो गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो आएगा बी इंटू ए, यहां पर आ जाएगा ए सी इंटू ए, यहां पर आ जाएगा बी सी प्लस आ जाएगा ए सी सी, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि आपका जो है जो एंड ऑपरेशन होता है वो आपका कॉमेटेटिव या फिर क्रम विनिमय नियम, आप ए को पहले लीजिए सी को बाद में ले लीजिए, और बेटा इसको भी क्रम विनिमय नियम के तहत लिख सकते हैं, बी इंटू ए आपका हो जाएगा ए इंटू बी के बराबर, इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू सी प्लस दैट इज बी सी, और इसको लिख सकते हैं ए सी इंटू सी, और आपको मालूम है a इंटू ए आपका a हो जाएगा, c इंटू सी आपका c हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहां से c आया यहां से a आया, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, a प्लस a, इस पूरे को आप एक नया वेरिएबल मानिए, इस पूरे को नया वेरिएबल मान लिए, इसको मान लेते हैं y, इसको y प्लस y क्या हो जाएगा y के बराबर। Now, इन दोनों को आप साथ में ले लीजिए, इन दोनों को आप एक साथ ले लीजिए, दिस इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए सी, और ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए सी, क्या किसी को कोई डाउट है? तो नाउ दिस इज नथिंग बट, आप जरा ध्यान से देखिए कि मेरे पास ये एक्सप्रेशन दिया था और इस एक्सप्रेशन का मैंने डुअल लिया, और डुअल लेने के बाद इसको मैंने सिंपलीफाई किया, तो क्या सेम एक्सप्रेशन आ गया? किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का अगर एक बार डुअल लेने पे वही एक्सप्रेशन आ जाए तो वो एक्सप्रेशन कैसा कहलाएगा? सेल्फ डुअल। ये आपका कैसा फंक्शन है? दिस इज कॉल्ड सेल्फ डुअल फंक्शन। कैसा फंक्शन है? सेल्फ डुअल। क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्या किसी को कोई दिक्कत है? चल आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, इसको नोट कर लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपका सेल्फ डुअल फंक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं, क्या हो गया, आगे चले। चल
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज एक मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं, चलिए दिस इज ए बार बी बार प्लस बी बार सी प्लस ए बार सी बार, आइडेंटिफाई द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन, गिवन बूलियन एक्सप्रेशन इज ए सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन और नॉट। अभी हुआ नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं नीचे किए दे रहा हूं, कर लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, जो क्वेश्चन लिख लेंगे वो करेंगे, मैं पीछे कर देता हूं, ठीक है घबराओ नहीं, मैं पूछता हूं कि हो गया, तुम लोग बोलते हो तभी मैं आगे बढ़ता हूं। बैक कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, बैक कर रहा हूं, जिसने नहीं लिखा वो लिख लेगा। क्या क्वेश्चन सभी ने लिख लिया है? फर्स्ट यू कैन बी राइट डाउन द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिख लिया है, अब जिनको पुराना क्वेश्चन नोट करना है वो नोट कर ले। चलिए बाकी मुझे चेक करके बताएं कि जो एक्सप्रेशन मैंने दिया है वो आपका सेल्फ डुअल है कि नहीं है। सेल्फ डुअल चेक करने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन को आप एक बार उसका डुअल लीजिए, डुअल लेने के बाद अगर सेम एक्सप्रेशन बैक आ जाएगा तो सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन कहलाएगा। यहां पर आप लिख भी लीजिएगा ये कैसा एक्सप्रेशन है बेटा, ये आपका सेल्फ डुअल है, सेल्फ डुअल बूलियन एक्सप्रेशन है ये। ईसी 2019-2020 हो गया, नाम से आया करे पहली चीज है, नहीं तो मैं आप लोगों को निकाल दूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। क्लास छूट जाए मुझसे मत बोलिएगा, आपको लाइव क्लास करनी है नाम के साथ आप आएंगे, अदरवाइज आई कैन बी रिमूव और मैं हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा, विदाउट नाम आप लोग नहीं आए। 100 बार आपको बोला है, अगर आप इसी में है तो मैं आपको कल से ब्लॉक कर दूंगा, मैं आपको बता देता हूं। चलो चेक करके मुझे बताएं क्या आपका गिवन फंक्शन सेल्फ डुअल है, सेल्फ डुअल बूलियन एक्सप्रेशन है। विकास बोल रहा है बिल्कुल नहीं है, गलत है ऑप्शन, गिवन एक्सप्रेशन आपका सेल्फ डुअल नहीं है। इतना बताने के बाद भी तुम लोग जब गलत कर देते हो तो पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिया था ए बार बी बार प्लस बी बार सी प्लस ए बार सी बार, आपको चेक करना है कि सेल्फ डुअल है कि नहीं। अगर सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन चेक करना है तो आप इस एक्सप्रेशन का डुअल लीजिए, जब मैं डुअल लूंगा तो पहले मैं एंड ऑपरेशन को प्रेजेंट दूंगा, उसके बाद और ऑपरेशन को, इसका डुअल क्यों का वेरिएबल जैसा उसको वैसे ही रखना है। दिस इज ए बार प्लस बी बार प्लस से ए बार प्लस सी बार, और फिर उसके बाद आपका जो है जो और ऑपरेशन है दैट इज कन्वर्टेड टू एंड ऑपरेशन। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने में क्या सेम एक्सप्रेशन आता है क्या देखते हैं। चलो सिंप्लीफाइड करने के लिए आप जो है इसको थोड़ा सा यहां पर कॉमुलेटिव ला या फिर क्रम विनिमय नियम लगाइए, पहले मैं इसका ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस ए बार, बी बार प्लस ए बार, बी बार प्लस सी दैट इज ए बार प्लस सी बार। यहां पर आप देखेंगे पहला और तीसरा आपका इक्वल है, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 पहला और तीसरा बराबर है, पी वन लग जाएगा तो पहले का तीसरे से गुणा, दूसरे का चौथे से गुणा, दिस इज बी बार इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू सी
इंटू ए बार प्लस सी बार, ठीक है। चलो बी बार इंटू बी बार कितना हो जाएगा, बी बार प्लस ए बार इंटू सी, दैट इज ए बार प्लस सी बार। अब यहां पर देखिए कोई भी बराबर नहीं है, वन भी अलग है, टू भी अलग है, थ्री भी अलग है। टी वन लगाने के लिए पहला तीसरा बराबर होने चाहिए, या फिर पहला और तीसरा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, तो कुछ है नहीं, तो इसका गुणा करेंगे डायरेक्टली। आप जो है गुणा करेंगे तो आएगा बी बार ए बार, ए बार सी इंटू ए बार, बी बार सी बार प्लस ए बार सी इंटू सी बार। और यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर मैं आपका दैट इज मैं इनका ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, क्रम विनिमय नियम लगा रहा हूं। दिस इज ए बार बी बार प्लस ए बार इंटू सी प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार दिस इज सी इंटू सी बार। और आपको मालूम है कि दैट इज किसी भी वेरिएबल उसके कॉम्प्लीमेंट का जो एंड ऑपरेशन होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। दिस इज ए बार बी बार ए बार सी प्लस बी बार सी बार। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, हेलो क्या ये बराबर है, दिख रहे हैं क्या बराबर, ए बार बी बार, यहां देखिए दिस इज ए बार बी बार, ए बार बी बार, बी बार सी, बी बार सी बार, ए बार सी बार, ए बार सी। क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर नहीं है, ये अलग है ये अलग है, तो बोथ आर नॉट इक्वल। बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल। तो गिवेन एक्सप्रेशन मेरा कैसा है, इट इज ए नॉट सेल्फ डुअल फंक्शन, नॉट सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन, ये आपका सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है संदीप, अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बता पा रहा तो इसका मतलब है कि उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आप समझ लीजिए। YouTube के ओपन चैनल पे लेक्चर जा रहे हैं तो इसका मतलब कि जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, देखते हैं। चलिए जहां भी शॉर्ट ट्रिक होगी वी विल डिस्कस ऑल टाइप ऑफ द शॉर्ट ट्रिक, परेशान होने वाली बात नहीं है। क्या आगे चल सकते हैं अब, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया है, ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार। Find the weather expression. Find the given expression is a self-dual expression or not. ठीक है, आपको बताना है कि क्या गिवन एक्सप्रेशन आपका सेल्फ डुअल है, 100% होगा, बिल्कुल होना चाहिए। यहां पर देखिए, यहां पर जो मैंने दिया था उसमें किसी में भी बार नहीं लगा था, सेल्फ डुअल आया था, सब में आपने बार लगा दिया, सब में बार लगा दिया तो वो भी आपका सेल्फ डुअल आएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं सेल्फ डुअल के लिए आप कैसे करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन को चेक करना है उसका आपको केवल क्या लेना पड़ेगा, एक बार आप डुअल लीजिए, ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार, इसको चेक करना है। मेरे साथ करते चले, इसमें मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, इसका मैं डुअल ले रहा हूं, मेरे साथ डुअल निकालें। पहले आप प्रायोरिटी देंगे बेटा एंड ऑपरेशन को, फिर उसके बाद और ऑपरेशन को। डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, इसका आपका डुअल आएगा ए बार प्लस बी बार इंटू
बी बार प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस सी बार। चलिए अब यहां पर क्या करिए, यहां पर आप जो है क्रम विनिमय नियम लगाइए, दिस इज बी बार प्लस ए बार, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं क्योंकि ये आपका बेटा किस फॉर्म में है, पीओएस फॉर्म में, और ये आपका एसओपी फॉर्म में है, सम ऑफ द प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट का सम है, दैट इज आपने क्या किया है, सम्स का प्रोडक्ट किया है, तो दिस इज पीओएस फॉर्म एंड दिस इज एसओपी, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसको भी मुझे किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, एसओपी फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो एसओपी फॉर्म में मैं लेके आ रहा हूं। नाउ दिस इज बी बार प्लस सी बार, मेरा कहने का मतलब समझ पाएंगे कि दो एक्सप्रेशन को आप तभी कंपेयर कर पाएंगे जब दोनों के फॉर्मेट बराबर होंगे, ये एक्सप्रेशन आपका एसओपी फॉर्म पे दिया है, ये आपका पीओएस फॉर्म पे दिया हुआ है। कोनेनिकल क्यों नहीं बोला, क्योंकि बेटा तीन वेरिएबल है, अगर हर एक सम टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म, सारे के सारे वेरिएबल रखेगा तो ये कोनेनिकल एसओपी फॉर्म होता, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म होता, ये भी आपका कैनोनिकल एसओपी फॉर्म नहीं है, ये भी कैनोनिकल पीओएस फॉर्म नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि पीओएस एसओपी कंपेयर के लिए दोनों को एक ही फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। यहां पर आप देखेंगे पहला और तीसरा आपके बराबर है, आप टी वन लगा सकते हैं, पहले का गुणा तीसरे से, दूसरे का गुणा चौथे से, तो दिस इज इक्वल टू बी बार इंटू बी बार प्लस ए बार सी बार इंटू ए बार सी बार, ठीक है। चलो यहां पर रहेगा बी बार इंटू बी बार कितना हो जाएगा, दिस इज बी बार प्लस ए बार सी बार इंटू ए बार प्लस सी बार। चलो यहां पर देखो चारों वेरिएबल अलग अलग हैं, ना तो टी वन लगेगा ना तो टी टू लगेगा, तो डायरेक्ट गुणा कर देना है, दिस इज बी बार ए बार, ए बार सी बार ए बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो यहां पर आप जो है क्रम विनिमय नियम लगाइए, दैट इज बी बार इंटू ए बार इज इक्वल टू ए बार बी बार, नाउ दिस इज ए बार इंटू सी बार, नाउ दिस इज बी बार प्लस ए बार सी बार सी बार, नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ए बार इंटू ए बार, कितना हो जाएगा ए बार सी बार इंटू सी बार सी बार, तो दिस इज ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार, इन दोनों को एक साथ लीजिए, दिस इज ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार, क्रम विनिमय नियम लगा रहे हैं, ए बार सी बार प्लस ए बार सी बार, और आपको मालूम है किसी भी वेरिएबल का अगर उसी वेरिएबल के साथ और ऑपरेशन किए तो रिजल्ट भी सेम वेरिएबल होता है, तो ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार, और आप देखेंगे कि आपका सर स्क्रीन छोटा कर दीजिए, क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, लो क्वेश्चन स्क्रीन छोटा कर दिया, और देखिए दोनों ही अब आप एसओपी फॉर्मेट पे अगर दोनों को कंपेयर करें क्या दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बिल्कुल बिल्कुल, बोथ द एक्सप्रेशन विल बी सेम, अगर किसी भी एक्सप्रेशन का एक बार डुअल लेने पे वही एक्सप्रेशन आ जाए तो वो सेल्फ डुअल कहलाएगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज बोथ द एक्सप्रेशन आर सेम, अगर दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, दिस गिवन एक्सप्रेशन इज ए सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन, सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन। अब एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोला जाता है कि अगर मान लीजिए आपके पास जो है एक, पहले लिख लो फिर मैं बात करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता जो मैं बोलने वाला हूं, मैं आपको समझाने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे, लोग दिखा देते हैं लिखा देते हैं लेकिन उनको खुद नहीं मालूम कि उन्होंने क्या लिखा दिया, क्योंकि वो भी रटा रटाए याद करके आते हैं, बस उगल देते हैं याद करने के बाद। मैं बात कर रहा हूं इलाहाबाद की धरती की, है ना, इलाहाबाद की धरती में रात में पढ़ते हैं सुबह उगल देते हैं, क्या उगल के आए उनको नहीं मालूम है। तो अगर अगली बार जो है कोई अगल बगल आपके उगले तो उसको बता दीजिए क्या उगल रहे हो, पहले खुद तो समझ लो,
आ जाइए आ जाइए, बता रहे हैं। चलो रात को आपका लेक्चर ही देखते हैं। हाँ बिल्कुल, पड़ोसी मुल्क में जो है बात ही कर रहे हैं, पढ़ाया ही नहीं जाता है सर। फतेह बहादुर, ये कौन बोला कि पढ़ाया नहीं जाता है? अब पढ़ाया जाएगा ना, तुमको आज रात में पढ़ा रहे, कल सुबह पढ़ाया जाएगा। अगल बगल में कहे परेशान हो रहा हूं, इधर आओ। देखो क्वेश्चन बोला जाता है कि अगर आपके पास एक एन वेरिएबल का डिजिटल सिस्टम है, एन वेरिएबल का डिजिटल अगर आपके पास एक एन वेरिएबल का डिजिटल सिस्टम है, तो एन वेरिएबल के डिजिटल सिस्टम में कितने आपके बूलियन एक्सप्रेशन बनेंगे? मैंने लिखाया था अगर आपके पास एन वेरिएबल का डिजिटल सिस्टम है तो उसमें कितने बूलियन एक्सप्रेशन बनेंगे? 2 की पावर 2 की पावर n, कितने बूलियन एक्सप्रेशन बनेंगे? 2 की पावर 2 की पावर n। ठीक है, इन 2 की पावर 2 की पावर n एक्सप्रेशन में कितने सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन होंगे ये पूछा जाता है। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। बोला जाता है जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए कि क्या फार्मूला आएगा। मान लीजिए आपके पास दो इनपुट का एक डिजिटल सिस्टम है, दो इनपुट के डिजिटल सिस्टम के लिए कितने बूलियन एक्सप्रेशन बनते हैं? हाउ मच मैक्सिमम बूलियन एक्सप्रेशन आर पॉसिबल? कितने मैक्सिमम बूलियन एक्सप्रेशन पॉसिबल है 2 इनपुट के डिजिटल सिस्टम के लिए? 16। इन 16 बूलियन एक्सप्रेशन में कितने सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन होंगे ये पूछा जाता है। दो इनपुट के डिजिटल सिस्टम के 16 आपके क्या कर सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन बन सकते हैं। इन 16 बूलियन एक्सप्रेशन में कितने सेल्फ डुअल बूलियन एक्सप्रेशन होंगे जरा मुझे बताएं? इन 16 बूलियन एक्सप्रेशन में 4 सेल्फ डुअल फंक्शन होंगे। कितने होंगे? 4। देखिए मैं आपको बताता हूं, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा ये हम लोग अभी बात करते हैं, एन वेरिएबल के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, चलो अब समझने की कोशिश करो। मैंने बोला कि अगर आपके पास दो इनपुट का है, एन की वैल्यू 2 है, फॉर 2 वेरिएबल डिजिटल सिस्टम, फॉर अ 2 वेरिएबल डिजिटल सिस्टम। ठीक है, और आपका जितना भी इनपुट होता है, फिर जितना भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल के नंबर को हम किससे प्रिंट करते हैं, दैट इज, इसका मतलब है कि n की वैल्यू कितनी ली है, 2। n इज इक्वल टू 2, n क्या रिप्रेजेंट करा, नंबर ऑफ वेरिएबल। फॉर 2 वेरिएबल डिजिटल सिस्टम दैट इज 16 बूलियन एक्सप्रेशन आर पॉसिबल। कैसे निकाला था, ये फार्मूला क्या था, एन की वैल्यू 2 दी है तो दैट इज 2 की पावर 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है, 2। दैट इज क्या था, इसको जब हमने सॉल्व किया था 4 आ गया था, दिस इज 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, दैट इज 4 इंटू 4, दैट इज 16। अभी 16 बूलियन एक्सप्रेशन, दो इनपुट के लिए 16 बूलियन एक्सप्रेशन है, जरा लिख के बताओ कौन कौन से होंगे। हेलो, लिख के भी मैंने तुम्हें बताते हैं, बोर्ड पे देखो, लिखो नहीं, यहां आओ। पहले मैंने लिखा था ए बी, फिर ए बार बी, ए बी बार, एंड दैट इज ए बार बी बार, 4 एक्सप्रेशन तो ये हुए। फिर ए प्लस बी, ए बार प्लस बी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, 4 ये हो गए, 8 हो गए। नेक्स्ट आएगा ए बी, ए बार बी बार, 4 ये हो गए 12। एक था 1, एक था 0, एक था ए बी प्लस ए बार बी, और एक था ए बार बी प्लस ए बी बार, यही तो 16 बूलियन एक्सप्रेशन होंगे। क्या इसमें किसी को डाउट है? चल अब मुझे ये बताओ, ये 16 बूलियन एक्सप्रेशन में कितने सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन होंगे? सेल्फ डुअल का मतलब क्या होता है, सेल्फ डुअल का मतलब कि उस एक्सप्रेशन का अगर एक बार डुअल ले तो वही आए। तो ये बताओ, अगर ये वाला, इस वाले बूलियन एक्सप्रेशन को देखो, ये आपका एक बूलियन, अगर मैं इसका डुअल लूंगा, इसका डुअल लूंगा तो क्या होगा, यही तो आएगा ना, क्योंकि जब हम डुअल लेते तो वेरिएबल को
जैसा था वैसे रखने, ए का ये पहला एक मैंने लिया ए ए, इसका डुअल लेंगे तो क्या ही आएगा, ए ही आएगा, तो ये सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन हुआ। बी का जरा मैं डुअल लू, जरा एक बार डुअल लूंगा तो बी ही आएगा, ये भी सेल्फ डुअल हुआ। ए बार का जब आप डुअल लेंगे तो क्या आएगा, वेरिएबल है जैसा था वैसे ए बार ही आएगा, और बी बार का जब आप सेल्फ डुअल लेंगे तो क्या आएगा, बी बार आएगा। ये चार वेरिएबल। अच्छा अगर मैं इसका डुअल लूंगा, इसका डुअल लूंगा तो आएगा ए इंटू बी, क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर नहीं है। इसका डुअल लेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी, क्या ये बराबर है, ये दोनों बराबर है नहीं। एक बार डुअल लेने पे वही आना चाहिए, तो इनमें से इसका डुअल लोगे अलग आएगा, इसका डुअल लोगे अलग आएगा, इसका डुअल लोगे अलग आएगा। वन का डुअल हो जाएगा जीरो, क्या दोनों बराबर है, क्या नहीं। वन का जीरो का डुअल लोगे तो आ जाएगा वन, बराबर नहीं है। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास दो इनपुट का एक डिजिटल सिस्टम है तो उसमें 16 बूलियन एक्सप्रेशन पॉसिबल है, और इन 16 बूलियन एक्सप्रेशन में चार सेल्फ डुअल होंगे। कौन कौन से, ये लिखे है चार सेल्फ डुअल, ये आपके चार कैसे होंगे, सेल्फ डुअल होंगे, दीज आर द सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन, चार सेल्फ डुअल होंगे, ठीक है, चार सेल्फ डुअल होंगे। अब चार को हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूं फॉर टू वेरिएबल डिजिटल सिस्टम, इतना लिखो पहले। अगर आपके पास दो वेरिएबल का डिजिटल सिस्टम है तो उसमें कितने टोटल 16 बूलियन एक्सप्रेशन होंगे, 16 में से चार सेल्फ डुअल होंगे, दैट इज फोर, फोर दैट लिख रहा हूं, फोर सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन दो इनपुट के लिए टोटल, या फिर इसी को लिख सकते हैं मैक्सिमम, फोर मैक्सिमम फोर डुअल एक्सप्रेशंस आर पॉसिबल। तो फार्मूला क्या होगा, एक बार फिर से बता दीजिए, फोन वीडियो लैग कर रहा था, मैंने बोला कि अगर आपके पास दो इनपुट का डिजिटल सिस्टम है तो 16 आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन होंगे, इन 16 बूलियन एक्सप्रेशन में कितने सेल्फ डुअल होंगे, तो भाई आप देखेंगे ए, एक अगर मैं डुअल लूंगा तो ए ही आएगा, एक बार डुअल लेने पे किसी भी एक्सप्रेशन के एक बार डुअल लेने पे सेम है तो सेल्फ, बी का आप डुअल लेंगे तो बी ही आएगा, ये भी सेल्फ डुअल होगा, ए बार का सेल्फ डुअल, एक बार ए बार का डुअल लेंगे तो ए भी बार आएगा, बी बार का डुअल लेंगे तो बी बार आएगा, तो ये चार ही केवल आपके क्या होंगे, सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन होंगे। तो जनरल फार्मूला लिखते हैं, चलो लिख रहा हूं, लिख लिया, हो गया, आगे चले, क्या आगे चले, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, अगर हो गया हो तो मैं आगे चलूं, चलो मेरे ख्याल से हो गया होगा, आगे मैं चलने की कोशिश करता हूं, चलो बेटा राम अवध आगे चलें, तुम लिख रहे हो 64 में बूलियन एक्सप्रेशन आर पॉसिबल, हाँ भैया 64 पगला गए भाई, तुम लीव कर दो बेटा क्लास, 64 बूलियन एक्सप्रेशन पॉसिबल है दो वेरिएबल के, तुरंत जो है निकलो क्लास से, तुम्हारे लायक नहीं है सब्जेक्ट, दो वेरिएबल में तुम्हारे 64 जो है बूलियन एक्सप्रेशन पॉसिबल होंगे, कहां हो, तो लिख रहा हूं बेटा फॉर एन इक्वल टू टू, फॉर एन इक्वल टू टू दैट मीन्स फॉर टू वेरिएबल डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सिस्टम वन और जीरो कैसे आया, पिछली क्लास से आया, पिछली क्लास में जाके देख ले बेटा सुनील कुमार, ठीक है, डिजिटल सिस्टम देयर आर, या फिर फॉर एन इक्वल टू टू दैट इज टू वेरिएबल डिजिटल सिस्टम मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल डुअल एक्सप्रेशंस आर, डुअल एक्सप्रेशंस आर, कितने डुअल एक्सप्रेशन होंगे दो वेरिएबल के लिए, चार, चार को आप कैसे लिख सकते हैं, टू की पावर टू लिख सकते हैं ना,
क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। अच्छा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। अच्छा यहां कुछ नहीं लिखा तो मैं यहां पर 1 मान नहीं सकता। हेलो, क्या ये मैंने 4 लिखा है? 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2। और बेटा 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर 2 माइनस 1। नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जरा इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा? हेलो, 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 आएगा। 2 की पावर 1 कितना होगा? 2। और बेटा 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं, तो दैट इज हाउ मच मैक्सिमम सेल्फ डुअल फंक्शन आर 2 की पावर 2 की पावर, ये लिखा है n माइनस 1। अगर 3 होते तो क्या हो जाता? 2 की पावर 2 की पावर 3 माइनस 1। कितने सेल्फ डुअल होते? टोटल अब कितने होते? टोटल एक्सप्रेशन अगर पूछे जाते 2 की पावर 2 की पावर n होते। इन 2 की पावर 2 की पावर n में से कितने सेल्फ डुअल होंगे? 2 की पावर 2 की पावर n माइनस 1। मेरी बात समझ रहे हैं? चलो, तो अगर मैं बोलता फॉर n इक्वल टू 3, 3 वेरिएबल का, फॉर 3 वेरिएबल डिजिटल सिस्टम, द मैक्सिमम पॉसिबल सेल्फ डुअल, यहां पर सेल्फ लिखो, सेल्फ डुअल बेटा, सेल्फ, सेल्फ वर्ड यूज कर लेने, आप भूल गए तो मैं, सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन आर पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन आर, कितना हो जाएगा बेटा? 2 की पावर 2 की पावर n माइनस 1। दैट इज, ये कितना आएगा जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा? 2 की पावर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा बेटा? दिस इज 2 की पावर 4, दिस इज 16। 3 वेरिएबल, टोटल बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं 64, टोटल होते हैं 64, जिसमें से 16 आपके सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन होंगे। अगर n इक्वल टू 4 बोला जाए, दैट इज फॉर 4 वेरिएबल डिजिटल सिस्टम द मैक्सिमम पॉसिबल सेल्फ डुअल एक्सप्रेशंस आर 2 की पावर 2 की पावर 4 माइनस 1। तो दिस इज 2 की पावर 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 होता है 64। यही होता है ना कि ज्यादा होता है? ज्यादा होता है, बताओ जरा कितना होता है? 256 होता है, 256। 4 वेरिएबल के लिए हम लोगों ने टोटल एक्सप्रेशन बताए थे, टोटल एक्सप्रेशन आ रहे थे 65,536। उन 65,536 में से 256 आपके सेल्फ डुअल होंगे। और अगर n वेरिएबल का मेरे पास डिजिटल सिस्टम है, तो हाउ मच डुअल एक्सप्रेशन आर पॉसिबल, ये मुझे फार्मूला लिखाना था। उसके लिए मैंने आपको इतना सब समझा डाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? हो गया? चलिए नोट करके लिखें, इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर एन वेरिएबल, फॉर एन वेरिएबल डिजिटल सिस्टम द मैक्सिमम पॉसिबल, द मैक्सिमम पॉसिबल सेल्फ डुअल एक्सप्रेशंस आर, कितना हो जाएगा बेटा फार्मूला, 2 की पावर n-1, दिस इज द फार्मूला। कल बेटा मैं आपको कोरोना के पहले क्वेश्चन करवाऊंगा ऑफलाइन में, उसमें आधे घंटे का टाइम लगेगा, और फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वाला जो केस पढ़ाऊंगा वो वाला, ठीक है। तो जब तक आपका एक सप्ताह मैथमेटिक्स चलेगा, तो हम लोग जो है आपका जो ट्रांसमिशन स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था वो पढ़ेंगे जो है, ठीक है। और फिर जब आपकी मैथ खत्म हो जाएगी तो फिर दोनों ही स्टार्ट कर देंगे, उसमें आपका मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट कर दूंगा, और वहां पर स्टार्टिंग से आपका जो है चलता रहेगा, ठीक है, हो गया। चलिए अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया है, उसका कॉम्प्लीमेंट आपको करना है, तो कैसे करेंगे? अगर किसी बूलियन एक्सप्रेशन का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज नहीं करिएगा। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि सबसे पहले अगर किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप क्या करें, आप जो है जैसी आप किसी एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बार लगा देंगे, बार लगाने के बाद वहां पर उसको सिंप्लीफाइड करेंगे, कैसे, डी मॉर्गन्स थ्योरम से, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। लेकिन जब हम उससे करेंगे तो हमारा जो है काफी लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो तरीका फॉलो करते हैं वो तरीका होता है, पहले गिवन एक्सप्रेशन का क्या करते हैं, डुअल निकाल लेते हैं, और डुअल निकालने के बाद हर एक वेरिएबल का क्या कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। हर एक वेरिएबल में क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, और बार लगाने के बाद जो भी एक्सप्रेशन होगा वही गिवन एक्सप्रेशन का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, सुमित कह रहे हैं कि एक लड़का जनरेशन का नोट्स मांग रहा था फोटोकॉपी कराने के लिए, कोचिंग का नहीं है। तो भाई देखो, कोचिंग में तो मैंने तुमको डिलीवर्ड कर दिया, अब तुम जो है दोस्ती निभाओ क्या निभाओ वो तुम्हारा मैटर है, ठीक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप फोटोकॉपी में उसको बांटना चाहते हैं बांट दीजिए, आप उसको पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा दीजिए, वो आपका मैटर है, ठीक है। मेरी तरफ से आपने जो है मुझको फीस दी है तो मेरा काम था आपको पढ़ाना, आपको नोट्स बनवाना जो मैंने बनवा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी जिम्मेदारी, आपके नोट्स हैं, आप उनको बांटिए पढ़ाइए जो भी करिए, दैट इज। तो लिख लेते हैं इस चीज को जिससे कि आपके पास एक प्रॉपर टेक्निक रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे गेट्स, कितने गेट होते हैं, और गेट पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको जो है सिंप्लीफिकेशन में एक मेथड होगा के मैप आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट जरा लिख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बूलियन एक्सप्रेशन कैसे फाउंड आउट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बूलियन एक्सप्रेशन, ये मैं आपको बीच में शुरुआत में पढ़ा चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों को याद नहीं, तो मैं केवल प्रोसीजर लिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आप क्या करेंगे, स्टेप टू फाइंड आउट, इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे, स्टेप फॉर फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बूलियन एक्सप्रेशन, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर होने वाला है, सबसे पहले गिवन बूलियन एक्सप्रेशन का आपको क्या निकालना है, डुअल निकालना। सर लाइट कट गई है, कोई बात नहीं, लाइट कट गई है तो तुम्हारी स्क्रीन चल रही होगी। पहले स्टेप क्या होगा, जो भी आपको गिवन एक्सप्रेशन दिया होगा उसका डुअल निकालें। फर्स्ट फाइंड
आउट द डुअल एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। पहले आप अपने गिवन बूलियन एक्सप्रेशन का डुअल निकालिए। डुअल निकालने के बाद जब आपका डुअल एक्सप्रेशन आ जाएगा, गिवन बूलियन एक्सप्रेशन का डुअल आ जाएगा, उस डुअल एक्सप्रेशन में ईच एंड एवरी वेरिएबल शुड बी रिप्लेस बाय इट्स कॉम्प्लीमेंट, या फिर हर एक वेरिएबल का क्या लगा दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वेरिएबल, उसके बाद क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट, टेक द कॉम्प्लीमेंट, टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंड एवरी, हर एक वेरिएबल का, हर एक वेरिएबल का क्या ले लेना, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब उसमें बार लगा देना, टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वेरिएबल वेरिएबल इन द डुअल एक्सप्रेशन। डुअल एक्सप्रेशन, जो भी डुअल एक्सप्रेशन आएगा उसमें हर एक वेरिएबल का आप क्या ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेना है, केवल टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वेरिएबल। आपको एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है, आपको वेरिएबल, हर एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, हर एक वेरिएबल के ऊपर क्या लगा देना, बार लगा देना। ठीक है, एग्जाम्पल एक कर लेते हैं बस। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया है एफ ए कॉमा बी कॉमा सी, थ्री वेरिएबल का बूलियन एक्सप्रेशन है, दिस इज ए बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी। ठीक है, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मीन्स फाइंड एफ कॉम्प्लीमेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना। एफ कॉम्प्लीमेंट निकाल, एफ दिया है ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए और फिर डी मॉर्गन से सॉल्व कर लीजिए, और जब डी मॉर्गन से सॉल्व करते हो तो आप बाहर से अंदर की तरफ आप जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। चलिए आ जाइए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम वाला नहीं लगेंगे, बार लगा के फिर ये ब्रेक द साइन चेंज, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन दिया था, सॉल्यूशन देखिए, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ये आपका आसान पड़ेगा। ए बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी, इस एक्सप्रेशन का आपको क्या करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट निकाल, तो पहले इसका डुअल निकालेंगे, गिवन बूलियन एक्सप्रेशन का डुअल निकालेंगे, डुअल डुअल निकालेंगे। डुअल निकालने के लिए पहले इसका डुअल लेंगे, पहले आप किसको प्रायोरिटी देंगे, और को प्रायोरिटी, दैट इज एंड ऑपरेटर को प्रायोरिटी देंगे, फिर और को, क्या होगा बेटा इसका डुअल ए प्लस बी प्लस सी, फिर मैं इसका डुअल निकालूंगा, वेरिएबल को जैसे था वैसे ही रखना है, कीप द वेरिएबल, डुअल निकालते समय कीप द वेरिएबल अटैच, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब आप जो है और ऑपरेशन को रिप्लेस कर देंगे एंड ऑपरेशन से, ठीक है। चल ये डुअल हो गया, डुअल निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इस डुअल एक्सप्रेशन में हर एक वेरिएबल का क्या ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट, मतलब वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, उसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। चलो हर एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेना, दिस इज ए बार बी बार सी बार, केवल हर एक वेरिएबल का आपको कॉम्प्लीमेंट लेना, ए डबल बार प्लस बी बार प्लस सी बार, नाउ दिस इज ए डबल बार हो जाएगा बी बार सी बार। और बेटा जैसे ही आपने हर एक इस डुअल एक्सप्रेशन हर एक वेरिएबल बार लगाएंगे, और यही आपका जो एक्सप्रेशन होगा, यही आपका गिवन एक्सप्रेशन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन,
ये एफ बार। और इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, किसी भी वेरिएबल में डबल, अगर किसी भी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सेम वेरिएबल सेम वेरिएबल सेम वेरिएबल, तो दिस इज इक्वल टू गिवन वेरिएबल गिवन फंक्शन का बूलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन आ जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। नाउ दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज ए प्लस बी बार प्लस सी बार, हो गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज लॉजिक गेट्स, साउंड लैग कर रहा है, साउंड किसको किसको साउंड लैग कर रहा है, क्या साउंड लैग कर रहा है? मेरे ख्याल से आवाज बिल्कुल ही क्लियर है, यहां से हमारा नेट बहुत अच्छा चल रहा है, जियो का नेट लगा हुआ है भाई, साउंड क्लियर है बिल्कुल, सब ठीक है। जिसका भी साउंड लैग कर रहा है उसका नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप सही जगह बैठे हैं, बिल्कुल सही जगह बैठे हैं, आपको बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। नाइन्टी डिग्री से लैग कर रहा है साउंड, वेरी गुड, तुम नाप के बैठे हुए ना 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब समझ रहे हो, इंजीनियर बनाने से पहले 90 डिग्री का मतलब ना समझते थे, आज तुम 90 डिग्री लैग करा रहे हो, है साइन का कोसाइन बना रहे हो। हाँ, न्यू टॉपिक है सेकंड चैप्टर, मैंने आपको जो है जब आपको सिलेबस लिखाया था तो मैंने क्या सिलेबस लिखाया था भूल गए तुम लोग, मैंने पहले बताया था कि बूलियन एलजेब्रा पढ़ेंगे, उसके बाद लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद के मैप पढ़ेंगे, तरीका अलग है, लोग पहले के मैप पढ़ाते हैं उसके बाद लॉजिक गेट पढ़ाते हैं, हमारा तरीका अलग है, हम अलग तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग को पढ़ना नहीं आता। लिखें नेक्स्ट टॉपिक, लिखें बूलियन एलजेब्रा में काफी सारी चीजें हो गई, अभी कुछ चीजें बाकी हैं वो मैं बीच बीच में डिस्कस करूंगा, ठीक है? चलिए चल सकते हैं आगे। हाँ, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी के मैप आपको बता दूंगा तो ये सब आपको बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट चैप्टर का हेडिंग डालें, दैट इज ए लॉजिक गेट्स, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए लॉजिक गेट्स। बहुत ही सरल और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके हिसाब से, चलो नेक्स्ट में देखो, लॉजिक गेट में हमें जो है 8 लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं, ठीक है? कौन कौन से लॉजिक गेट पढ़ने, पहले तो हमें बफर गेट पढ़ना, होते तो हमारे पास 7 ही हैं लेकिन मैं आपको 8 पढ़ाऊंगा, ठीक है? पहले हम लोग पढ़ेंगे बफर गेट, पहला सबसे पहला गेट पढ़ेंगे बफर गेट, बफर गेट। दूसरा जो गेट होगा दैट इज द नॉट गेट, सबसे टफ गेट है नॉट गेट, समझने के हिसाब से सबसे टफ गेट है नॉट गेट, जबकि आपको लग रहा होगा कि नॉट गेट में क्या है, 0 दिया 1 आया, 1 दिया 0 आया, हो गया, इतना नहीं है बेटा, है ना? इतना तो बच्चे पढ़ते हैं, है ना? तो हम बच्चे नहीं रहे हैं, हम लोग बड़े हो गए हैं, ठीक है? नॉट गेट। तीसरा जो गेट हम पढ़ेंगे, थर्ड गेट इज नथिंग बट द एंड गेट, ये गेट सरल है, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, एंड गेट एंड दिस इज द और गेट, ठीक है? पहले हम लोग ये 4 गेट पढ़ेंगे, इन चार गेट को हम लोग बोलते हैं 10, हाँ 10 महीने के हो गए हैं, अब आप लोग बड़े हो गए, बिल्कुल 10 महीने के हो गए हैं, जोड़े बैठे हो 10 महीने के हो गए, यानी पैदा होने के 1 साल बढ़ गया है, 1 महीने का होगा पैदा होने के बाद, वेरी गुड, चल कोई बात नहीं। हाँ तो बेटा, ये जो 4 गेट मैंने बताया, ये 4 बेसिक गेट होते हैं, ये 4 आपके बेसिक गेट होते हैं, ठीक है? अगर आपको बेटा
एंड ऑपरेशन कराना है आपको वेरिएबल के बीच में तो एंड गेट का रिक्वायरमेंट होगा, अगर आपको और ऑपरेशन कराना है वेरिएबल के बीच में तो और गेट का रिक्वायरमेंट होगा, अगर आप अपने वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं तो आपको नॉट गेट का रिक्वायरमेंट होगा, नॉट गेट का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, चलो तो ये आपके कौन से गेट होते हैं, दीज आर द बेसिक गेट, ये आपके कौन से गेट है, बेसिक गेट, ये आपके बेसिक गेट है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट आपका जो है गेट पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट मतलब उन गेट की हेल्प से आप किसी भी गेट को बना सकते हैं, एंड गेट हो चाहे और गेट हो चाहे नॉट गेट हो बफर गेट, किसी भी गेट को उन गेट की हेल्प से बनाया जाए, इसी उनको बोला है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल मतलब दीज आर द गेट विच इज आप अकेले उस गेट की हेल्प से कोई सभी ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई सभी गेट बना सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज नेक्स्ट जो हम लोग गेट पढ़ेंगे फिफ्थ एंड सिक्स्थ, That is, आपका एक होगा नैंड गेट और दूसरा होगा नॉर गेट। ये दोनों गेट जो होते हैं ये आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, ये आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट मतलब इन दोनों गेट की हेल्प से आप किसी भी गेट को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स होता है बना सकना, उस सर्किट को बना सकते हैं। अगर आपको नैंड गेट है आपके पास तो अकेले नैंड गेट की हेल्प से आप एंड गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, नॉर गेट भी बना सकते हैं, कोई सभी गेट बना सकते हैं। नॉर गेट की हेल्प से आप अकेले आपके पास केवल अगर नॉर गेट है तो आप जो है किसी भी गेट को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। और सातवां जो गेट होगा हमारे पास दैट इज कॉल्ड द एक्सोर, और एक होगा हमारे पास आठवां एक्सनोर। ये जो गेट होते हैं ये गेट आपके अर्थमेटिक गेट होते हैं, जब आपको चीजों को ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, एडर सब्ट्रैक्टर या फिर ऑड वंस डिटेक्टर इवन वंस डिटेक्टर, तो आप इन गेट्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन में इन गेट्स को यूज किया जाता है, प्रायोरिटी चेकर। ठीक है, तो जब हम लोग जो है एडर मल्टीप्लेक्सर बनेंगे तब हम इन गेट का सहारा लेंगे उनके बूलियन एक्सप्रेशन को बनाने के लिए। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द ये आपके अर्थमेटिक गेट्स, कई नाम होते हैं तो एक में नाम लिख दे तो अर्थमेटिक गेट्स। अर्थमेटिक गेट्स तो जनरली हमें टोटल आठ प्रकार के गेट पढ़ने हैं, लॉजिक गेट्स में आठ गेट, और सबके बारे में हमें धीमे धीमे पढ़ना है कि किसका क्या जो है आपका सिंबल होता है, क्या इसका जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, क्या ट्रुथ टेबल होती है, टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। तो हम लोग पहला गेट को स्टार्ट करते हैं, बेसिक गेट में जो पहला गेट है, नाउ वी विल डिस्कस दैट इज अ बफर गेट। तो हेडिंग डाल लीजिए बेसिक गेट, और उसमें पहला गेट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नथिंग बट द बफर गेट। चलिए हेडिंग डालिए बेटा, मेन हेडिंग है आपका बेसिक गेट। बेसिक गेट में पहला गेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ बफर गेट। कौन सा गेट, बफर गेट। अच्छा, बफर का मतलब क्या होता है, बफर गेट का मतलब क्या होगा, एक ऐसा गेट जिसमें जो हम इनपुट देंगे वही आपको क्या दिखेगा, आउटपुट में भी वही वेरिएबल दिखेगा। जो भी आप एक्सप्रेशन आप इनपुट में, इस गेट के इनपुट में जो एक्सप्रेशन होगा वही एक्सप्रेशन आपको आउटपुट में दिखेगा, नो चेंज, बोल सकते हैं नो चेंज। जो भी आप इनपुट टर्मिनल में अप्लाई करेंगे सेम वेरिएबल विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द आउटपुट टर्मिनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबल, सिंबल के बारे में, What is the symbol of the buffer gate? बफर गेट,
बफर गेट का जो सिंबल होता है वो आपका ऐसा होता है, दिस इज द सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ योर बफर गेट। एक ट्रेंगल बना देते हैं, दिस इज द ट्रेंगल, दिस इज द सर। हाँ, क्या फायदा है जो मिल रहा है? अभी बात कर रहे हैं ना, क्या फायदा है, अभी खत्म थोड़ा किया है। अभी जो है मैंने तो अभी केवल सिंबल बनाया तुमको, तो क्या फायदा है, अभी बात करते ना क्या फायदा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बात करूं, जैसे कोई भी गेट होगा, जैसे कोई भी गेट होगा, किसी भी गेट पे हमने इनपुट दिया तो यार तुरंत हमें आउटपुट मिल जाएगा क्या? कुछ टाइम लेगा ना, इट कैन बी प्रोसेस। आपने इनपुट अप्लाई किया, ये कुछ प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट मिलेगा। तो आप देखेंगे कि जनरली क्या होता है कि जो बफर गेट होता है, जैसे मान लीजिए आपने जो है जो बफर गेट है उसका डिले बात कर लेते हैं। डिले का मतलब है कि आपका जो है दैट इज जो भी टाइम लेता है इनपुट को लेने के बाद आउटपुट प्रोड्यूस करने में, किसी भी गेट को जो टाइम लगता है दैट टाइम इज नोन एज ए डिले टाइम, ठीक है। डिले विल बी देयर। तो जनरली अगर मान लीजिए मैंने कोई सिग्नल है, ठीक है, कोई सिग्नल मैं दे रहा हूं, सिग्नल में मुझे डिले करना है, ठीक है, तो मैं उस सिग्नल को किससे पास करूंगा, आपका बफर गेट से पास करूंगा, ठीक है। सेम सिग्नल में मुझे डिले करना है, 5 सेकंड बाद मुझे वो सिग्नल देना है, तो सिग्नल को मैं क्या करूंगा, आपके बफर गेट से पास कर दूंगा, जिसका डिले टाइम कितना होगा, 5 सेकंड का होगा। तो उसमें आपका क्या डिले हो जाएगा, 5 सेकंड का डिले हो जाएगा। तो जनरली आपका जो बफर गेट होता है वो किसी भी सिग्नल में डिले प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? दैट इज कौन था, मयंक, कि बफर गेट क्यों यूज किया। कई बार आपको कई सारे एप्लीकेशन में आप अपने सिग्नल को कुछ देर के बाद अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ उसमें डिले देना चाहते हैं, तो डिले देने के लिए जनरली हम क्या करने वाले हैं, अपने सिग्नल में अगर आपको डिले चाहिए तो उसको पास करेंगे हम लोग किस गेट से, आपके बफर गेट से, ठीक है। चलो, तो जनरली जो है आपका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर बफर गेट। बफर गेट में अगर मैं इनपुट में ए अप्लाई करूंगा, बफर गेट में मैं इनपुट में अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में भी क्या मिलेगा, ए, और आउटपुट को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। वाई बोलिए फिर एफ बोलिए, तो व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ ए बफर गेट। आउटपुट को हम वाई से रिप्रेजेंट करें जिसका एक्सप्रेशन होगा ए के बराबर, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द, अगर मैं ए अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में भी मुझे ए ही मिलेगा। अगर आपको इनपुट मालूम है, अपने आउटपुट के बूलियन एक्सप्रेशन में उसको रखिए और अपने आउटपुट को आप कैलकुलेट करें। आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करें वाई से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बफर में अगर मैंने ए अप्लाई किया है तो आउटपुट में भी मुझे क्या मिलेगा, सेम वेरिएबल मिलेगा, सेम सिग्नल मिलेगा, कोई बात नहीं। जिसका लैग कर रहा है वो लीव कर दे, मैं आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा तुरंत, ठीक है, क्योंकि आपका शायद हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आपका जो है बफर। चलो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या था, लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा। अगर आपने इनपुट में अप्लाई किया तो आउटपुट में भी क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ बफर गेट। बफर गेट का जो लॉजिकल आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई से या फिर एफ से, क्योंकि बफर गेट में केवल एक ही इनपुट सिग्नल, एक ही इनपुट टर्मिनल होता है, तो दैट इज एक ही आप इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, तो जो आपका आउटपुट होगा वो एक ही वेरिएबल का फंक्शन होगा, एंड दैट इज नथिंग बट द ए। दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ योर बफर गेट। व्हाट इज द ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल क्या होगी, हेलो, अगर अब देखो वेरिएबल क्या है, ए, आपके डिजिटल सिस्टम में वेरिएबल कोई भी वेरिएबल कितनी वैल्यू रख सकता है, दो ही वैल्यू रख सकता है, तो एक वैल्यू जीरो हो सकती है। अगर मैं बफर में जीरो अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में भी क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, दैट इज जीरो। अगर मैं इनपुट में वन अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में भी क्या मिलेगा, वन। तो आप ट्रुथ टेबल बना सकते हो। ट्रुथ टेबल क्या होती है, दैट इज नथिंग बट द, इट इज ए टेबल विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो चलो ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, बफर गेट का ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल इतना लिख लीजिए, आगे चलते हैं। ट्रुथ टेबल
चलो ट्रुथ टेबल बनाया। ट्रुथ टेबल क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन, किस इनपुट में कितना आउटपुट आ रहा है। तो इनपुट है ए, आउटपुट का एक्सप्रेशन है वाई इज इक्वल टू ए, ठीक है। नाउ दैट इज इनपुट इज ए और आउटपुट का एक्सप्रेशन है वाई इज इक्वल टू ए। अगर आप बफर गेट में जीरो अप्लाई करेंगे तो आउटपुट भी क्या आएगा, जीरो आएगा, और अगर बफर गेट में वन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में वन। देखो वन का मतलब होता है दैट इज ए नथिंग बट द हाई वोल्टेज अप्लाई करना, ठीक है। देखो वन का मतलब, लॉजिक वन का मतलब होता है हाई वोल्टेज, लॉजिक जीरो का मतलब होता है दैट इज लो वोल्टेज, ठीक है। कई बार आपको लॉजिक वन का मतलब होगा ऑन से, कई बार आपको जो है लॉजिक जीरो का मतलब होगा ऑफ से, कई बार आपको जो है बोला जाएगा दैट इज लॉजिक वन का मतलब होगा यस, लॉजिक जीरो का मतलब होगा नो। तो ये सारे के सारे इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो जनरली आपका लॉजिक वन, हम लोग क्या करते हैं हाई वोल्टेज को हम लोग लॉजिक वन, क्योंकि मैंने बताया था दो टाइप के लॉजिक होते हैं, पॉजिटिव लॉजिक या फिर निगेटिव लॉजिक। जनरली कुछ नहीं बताया जाता तो हम अपने एक्सप्रेशन को किस लॉजिक में लिखते हैं, पॉजिटिव लॉजिक में। पॉजिटिव लॉजिक में हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं वन से और लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। तो जनरली अगर आपसे बोला जाएगा कि लॉजिक वन का मतलब क्या होगा, हाई वोल्टेज है, कभी भी आपको आउटपुट में हाई वोल्टेज मिल रहा है तो वहां आप लॉजिक वन लिखेंगे, कहीं पर आपको आउटपुट में लो वोल्टेज मिल रहा है तो वहां आप लॉजिक जीरो लिख देंगे। कहीं पर अगर आपका बल्ब ऑन होगा, ऑन का मतलब क्या होगा लॉजिक वन, ऑफ का मतलब क्या होगा लॉजिक जीरो। कई बार आपको होगा लो, लो का मतलब क्या होगा लॉजिक जीरो, कई बार हाई का मतलब क्या होगा लॉजिक वन विल बी देयर, ठीक है। तो ये सारे सारे नाम है आपके, ठीक है। हाँ, लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन क्या होगी, आपके बूलियन एक्सप्रेशंस को, हेलो बूलियन एक्सप्रेशन को अगर आप क्या करना चाहते हैं, इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो जिन गेट्स का रिक्वायरमेंट, जिन सर्किट का रिक्वायरमेंट होता है उनको बोलते हैं लॉजिक गेट्स। मतलब दीज आर द सर्किट विच आर यूज टू इंप्लीमेंटेशन, मीन्स उनको बनाने के लिए, उन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंटेशन का, इंप्लीमेंटेशन की हिंदी समझ रहे हो ना सर, इंप्लीमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, इंप्लीमेंटेशन मीन्स होता है बनाने के लिए। तो आपके बूलियन सर्किट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जिन सर्किट्स का रिक्वायरमेंट होता है उन सर्किट्स को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, गेट्स, लॉजिकल गेट्स बोलते हैं। अजय मेरी बात समझ रहे हैं डेफिनेशन। तो अब हम लोग क्या करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया था एंड ऑपरेशन करना है, तो एंड ऑपरेशन हम कैसे करेंगे, हवा में थोड़ा कर देंगे। एंड ऑपरेशन करने के लिए हमें गेट का रिक्वायरमेंट होगा, और वो गेट कौन सा होगा, दैट इज द एंड गेट। अगर मैं दो वेरिएबल के बीच में और ऑपरेशन करना चाहता हूं तो वी विल रिक्वायर्ड ए और गेट। तो किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए वी विल यूज द गेट, ठीक है। अगली बार से मैं गेट की डिफिनेशन भी लिखा दूंगा अगले बैच में, मुझे लगा कि शायद तुम लोग को समझ में आ गई, ठीक है। चलो कोई बात, ट्रुथ टेबल विल बी देयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। किसके बारे में बात करें, टाइमिंग डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइमिंग डायग्राम, इसको थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। टाइमिंग डायग्राम इस बैच से लिखवा दीजिए सर। अरे बता दिया, लिख लो भाई, क्यों पीछे पड़े हुए हो। चल नहीं लिख पाओगे, लिखना पड़ेगा। चल टाइमिंग डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम का है कि आप देखेंगे कि आपने बफर गेट में इनपुट अप्लाई किया, इनपुट की वेवफॉर्म दी होगी तो आउटपुट की वेवफॉर्म कैसे चेंज होगी। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे कि मेरा जो बफर गेट है वो आइडियल है, मतलब नो डिले। नो डिले का मतलब जैसे ही इनपुट अप्लाई किया वैसे ही इमीडिएटली आपको आउटपुट मिल गया। अगर इनपुट जीरो तो आउटपुट भी इमीडिएटली जीरो होगा, अगर इनपुट वन है तो आउटपुट भी इमीडिएटली। बफर में जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, जैसा इनपुट होगा वही आउटपुट, जो इनपुट है वही आपका आउटपुट है। लेकिन प्रैक्टिकल केस में कुछ ना कुछ डिले मिलेगा, हो सकता है एक नैनो सेकंड का डिले मिले। तो आपने अगर जीरो अप्लाई किया तो आउटपुट आपको कितनी देर के बाद मिलेगा, आउटपुट आपको जीरो मिलेगा लेकिन कितनी देर के बाद, एक नैनो सेकंड के बाद, ठीक है। तो प्रैक्टिकल हम लोग आउटपुट की वेवफॉर्म कैसे बनाएंगे और आइडियली हम लोग वेवफॉर्म कैसे, नो डिले, अगर आपको डिले नहीं दिया तब मेरे आउटपुट की वेवफॉर्म कैसी होगी। टाइमिंग डायग्राम का मतलब है कि इनपुट की वेवफॉर्म अगर आपको दी है तो आउटपुट की वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करना है। दोनों केस में ड्रॉ करेंगे तो जनरली क्या होता है कि जनरली एग्जामिनेशन में डिले दे देता है तो हम उस वेवफॉर्म को कैसे बनाएंगे। तो जनरली हम क्या करेंगे, पहले हम मान के चलेंगे कि हमारे गेट में कोई भी डिले नहीं है,
तो अगर इनपुट में चेंज होगा तो सडनली आउटपुट में भी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि बफर गेट में जो इनपुट होता है वही आउटपुट, तो जैसे इनपुट की वेवफॉर्म होगी वैसे आउटपुट की वेवफॉर्म बना देंगे। क्योंकि अगर डिले दिया एक नैनो सेकंड का दिया तो बाद में आपको जो है डिले वाली वेवफॉर्म बनाने के लिए आउटपुट में, अगर आपके गेट में डिले है तो डिले के साथ अगर आउटपुट की वेवफॉर्म बनाना चाहे तो सिंपली आप अपनी वेवफॉर्म को क्या करेंगे, जितना भी डिले होगा उतना राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि आपका जब इनपुट आपने अप्लाई किया तो जैसे मान लो एक नैनो सेकंड का डिले है, तो अगर आपने इनपुट में जीरो अप्लाई किया तो आउटपुट कितनी देर के बाद मिलेगा, सडनली जीरो देने पे एक नैनो सेकंड के बाद आउटपुट मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। तो आपने पहले नो डिले के साथ बनाई वो तुरंत आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर आपका डिले दिया हुआ, प्रैक्टिकली अगर डिले दिया हुआ है तो एक सेकंड के बाद मिलेगा, तो इनपुट से आउटपुट कितना लैग करेगा, दैट इज वन सेकेंड। ठीक है, चलो यहां बात करते टाइमिंग डायग्राम के बारे में बात करते, चलिए हेडिंग डाल लीजिए टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, चलो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा जो है बफर गेट है, बफर गेट में इनपुट में मैं सिग्नल अप्लाई कर रहा हूं, दिस इज द इनपुट वेरिएबल की वेवफॉर्म ए, ए की वेवफॉर्म मैं बना रहा हूं, ये t इक्वल टू जीरो है, t इक्वल टू जीरो, ठीक है, t इक्वल टू जीरो पे आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। Now this is the input waveform. T equal to zero पे जो आपका input है वो जीरो से कहां, देखो variable दो ही वैल्यू, या तो जीरो लेगा तो वन लेगा। T equal to zero पे जो input है, T equal to zero पे input आपका input variable जीरो से कहां पर change हो रहा है, वन पे change हो रहा है। Now this is कहां पर change हो रहा है, वन पे। फिर आपका पांच सेकंड के बाद आपका जो है जो इनपुट है वो फिर जीरो हो गया दस सेकंड तक, फिर पांच सेकंड बाद आपका जो इनपुट है वो फिर वन हो गया, फिर पांच सेकंड बाद आपका जो इनपुट है वो जीरो हो गया, फिर आपका वन हो गया। दिस इज टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये ए वेरिएबल की वेवफॉर्म। दिस इज t equal to 5, t equal to 10, t equal to 15, t equal to 20, and this is t equal to 25 second. ठीक है, this is the second. This is 0, this is 1, This is zero, this is one, this is zero, this is one. ठीक है, आपको क्या करना है, बफर में मैं इनपुट सिग्नल दे रहा हूं, t equal to zero पे इनपुट सिग्नल दे रहा हूं, आपको आउटपुट की वेवफॉर्म बनानी है। आउटपुट क्या होता है बेटा, बफर में जो आप इनपुट देंगे वही आउटपुट होगा, तो जैसी इनपुट की वेवफॉर्म होगी वैसी आउटपुट की वेवफॉर्म होगी। तो पहले हम मान के चल रहे हैं कि मेरे बफर में कोई भी डिले नहीं दिए, कोई भी डिले नहीं है, तो जैसी वेवफॉर्म इनपुट किया, जैसी आपका इनपुट वन होगा आउटपुट भी इमीडिएटली वन होगा। उसी समय पे जैसे ही इनपुट जीरो होगा उसी समय में आउटपुट भी कितना हो जाएगा, जीरो वन जीरो वन जीरो वन, सेम। ठीक है, चलो वेवफॉर्म बना रहे हैं आउटपुट की वेवफॉर्म। दिस इज आउटपुट, वाई की वेवफॉर्म बना रहे हैं, आउटपुट को हम वाई से प्रिंट करें जो कि ए के बराबर होगा, लेकिन पहले मान रहे हैं नो डिले, नो डिले इन गेट, गेट में कोई भी डिले नहीं है, गेट में कोई भी डिले नहीं है। ठीक है, तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, ठीक है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, ठीक है। नाउ t इक्वल टू जीरो पे आपका जो इनपुट है जीरो से वन चेंज होगा, तो सेम इंस्टेंट पे इमीडिएटली t इक्वल टू जीरो पे आउटपुट भी जो होगा जीरो से वन चेंज होगा। पांच सेकेंड में आपका जो आउटपुट है या फिर इनपुट है वो आपका वन से जीरो पे आ रहा है, सेम वेव फॉर्म, सेम वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म है फॉर नो डिले, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। ठीक है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको डिले दिया है, हेलो डिले दिया है, मान लो इसमें डिले दिया है एक सेकंड का, कितने का डिले है,
डिले दिया है 1 सेकंड का, आपका जो है जो बफर गेट है उसमें कितने का डिले दिया है, 1 सेकंड का डिले दिया, तो वेवफॉर्म कैसे बनाएंगे? तो जब भी डिले दिया होगा तो पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट की वेवफॉर्म बनाएंगे नो डिले के लिए, मतलब जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट हो जाएगा। अब डिले का मतलब जब आपका इनपुट आपने अप्लाई किया, ठीक है, जैसे ही आपने इनपुट अप्लाई किया यहां पर 1, आउटपुट आपको 1 सेकंड बाद मिलेगा। मान लो जो है इनपुट मेरा जो है टी इक्वल टू 0 पे, 0 से कहां पर चेंज हुआ 1, तो आउटपुट जो है मेरा आपका टी इक्वल टू 0 पे चेंज होगा, सडनली चेंज नहीं होगा, आउटपुट मेरा 1 सेकंड के बाद चेंज होगा, 1 सेकंड के बाद। तो जितना डिले दिया होगा सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी डिले दिया होगा तो डिले वाले आउटपुट की वेवफॉर्म बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले नो डिले की वेवफॉर्म बना देंगे। नो डिले की वेवफॉर्म बनाने के बाद जितना डिले दिया होगा इस नो डिले की वेवफॉर्म को आप क्या करिए, जितना भी डिले उतना यूनिट राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। कितना डिले दिया, 1 यूनिट का, तो मैं डिले के साथ आउटपुट की वेवफॉर्म बना रहा हूं, दिस इज द वेवफॉर्म। अगर आपके गेट में ये आउटपुट की वेवफॉर्म है विद डिले, विद डिले, डिले कितना है, 1 सेकंड का डिले है, अगर 1 सेकंड का डिले है तो नो डिले वाली वेवफॉर्म को आउटपुट में, जब आपने नो डिले था तो आप जो भी आउटपुट वेवफॉर्म है उसको 1 यूनिट क्या कर दीजिए, 1 सेकंड आगे राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जब राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, ये पॉइंट ऐसा आ जाएगा, तो ऐसी वेवफॉर्म आ जाएगी, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये 5 है ये 10 है, नो डिले वाली, जब भी आपके जो है गेट में डिले होगा तो डिले वाली वेवफॉर्म बनाने के लिए पहले आप क्या करेंगे, नो डिले की वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। नो डिले की वेवफॉर्म ड्रॉ करने के बाद जितना डिले होगा उतना आपने अपनी डिले वाली, नो डिले वाली वेवफॉर्म को उतना ही राइट साइड पर शिफ्ट करें। 1 यूनिट का डिले था तो मैं 1 यूनिट का क्या करने वाला हूँ, राइट साइड पर शिफ्ट करूंगा। राइट साइड पर शिफ्ट करूंगा तो जो बेटा वैल्यू आपकी 0 पे थी वो आ जाएगी 1 पे। नाउ दिस इज टी इक्वल टू 0, दिस इज टी इक्वल टू 5, दिस इज टी इक्वल टू 10 सेकंड, दिस इज टी इक्वल टू 15 सेकंड, दिस इज टी इक्वल टू 20 सेकंड, एंड दिस इज टी इक्वल टू 25 सेकंड, ठीक है। अगर 1 यूनिट का डिले दिया बफर गेट में तो आप अपनी जो है नो डिले वाली वेवफॉर्म को 1 यूनिट राइट साइड पर शिफ्ट कर दीजिए। तो 1 यूनिट में राइट साइड, तो ये बेटा 0 वाली पॉइंट जो होगी, ये वाला पॉइंट 1 पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट 6 पे चला जाएगा, ये पॉइंट आपका 11 पे, ये 15 पे, ये आपका जो है दैट इज 20 पे, और ये आपका 25 पे। तो बेटा जो चेंज हो रहा था 0 से 1 वो 0 पे ना होके कहां पर होगा, 1 पे चेंज होगा, 1 पे चेंज होगा। नाउ दिस इज द वेव फॉर्म, 1 सेकंड आगे से वेव फॉर्म बन जाएगी। टी इक्वल टू 5 पे जो वैल्यू 1 से 0 चेंज हो रही थी वो कहां पर आ जाएगी, 6 पे आ जाएगी। आउटपुट अब आपको 1 सेकंड बाद मिलेगा, जो भी आप इनपुट पर, जब इनपुट में चेंज होगा, इनपुट में अगर चेंज हो रहा है तो 1 सेकंड बाद आउटपुट में चेंज होगा, क्योंकि डिले है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 26। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये मैंने आपके आउटपुट की वेवफॉर्म ड्रॉ की है जब आपके गेट में कितने का डिले है, 1 सेकंड का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत? हेलो, इनपुट मेरे को टी इक्वल टू 0 पे चेंज हो रहा है, आउटपुट आपका जो है इनपुट सिग्नल टी इक्वल टू 0 पे, 0 से 1 पे जा रहा है, लेकिन मतलब इनपुट सिग्नल आपका टी इक्वल टू 0 में 0 से कहां चेंज हुआ, 1, लेकिन आपका आउटपुट इमीडिएटली नहीं, 1 सेकंड के बाद चेंज होगा। आउटपुट कितने सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद, 0 से 1, क्योंकि जो भी आपका इनपुट सिग्नल होगा, लेकिन चेंज जो आपका इनपुट में है आउटपुट में, वो चेंज 1 सेकंड के बाद दिखेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, कभी भी आपका जो है डिले, क्योंकि जनरली वो डिले देगा कि आपका जो है बफर गेट है उसमें 1 सेकंड का डिले है, 2 सेकंड का डिले है इनपुट की वेवफॉर्म है तो आउटपुट की। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोई भी, आप जो भी डिले दिए होगा उसको आप निग्लेक्ट कर देंगे, आइडियल मान के करेंगे, नो डिले वाली वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। मतलब अपने गेट को आइडियल मान लीजिए, आइडियल मानने का मतलब कि जो इनपुट में जैसी वेवफॉर्म इनपुट की होगी वैसी आउटपुट की वेवफॉर्म बना देंगे। अब जितना भी डिले होगा तो नो डिले वाली वेवफॉर्म को क्या करिएगा, राइट साइड शिफ्ट कर दीजिएगा जितना भी डिले दिए होगा। तो दिस इज द एक्चुअल वेवफॉर्म विद द डिले, दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ द आउटपुट विद द डिले। तो ये बताइए, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो जनरली आपका जो है ये जो गेट हुआ, बफर गेट क्यों यूज किया जाता है,
बफर गेट, प्रैक्टिकली कोई भी गेट जो होगा उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस लगेगा, डिले होगा, जो भी आप इनपुट देंगे वो थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद वो आउटपुट में आपको दिखाई देगा, इट कैन बी प्रोवाइड सम डिले। तो जनरली कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें हमें अपने सिग्नल में डिले प्रोवाइड करना होता है, तो डिले प्रोवाइड करने के लिए कौन सा जो है हम लोग गेट यूज करते हैं, बफर गेट। सिग्नल वही है लेकिन क्या हो जाएगा, एक सेकंड का डिले हो जाएगा। अगर यहां पर मानिए मुझे 5 सेकंड का डिले देना, तो मैं क्या करूंगा, केस को बना लिया, टाइमिंग डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम में किसी को इशू, चलिए यहां पर जैसे मान लीजिए मुझे अपने इनपुट सिग्नल में या फिर अपने सिग्नल में 5 सेकंड का डिले देना, तो मेरे पास ये बफर गेट है, हर एक बफर गेट का कितना डिले है, बफर गेट का डिले है आपका दैट इज 1 सेकंड का, और अगर 5 सेकंड का देना है तो मैं अपने सिग्नल को कितने बफर गेट से पास करूंगा, 5 बफर गेट से, ठीक है, हर एक बफर गेट का डिले है 1 सेकंड का, तो मान लीजिए यहां पर मैंने इनपुट सिग्नल दिया ए, तो यहां पर जो है मुझे इनपुट मिलेगा लेकिन 1 सेकंड के बाद, फिर यहां से जब आपका इनपुट इसमें जाएगा तो फिर 1 मिनट का, 2 सेकंड बाद यहां पर आउटपुट मिलेगा, 3 सेकंड बाद यहां पर आउटपुट मिलेगा, 4 सेकंड बाद यहां पर मिलेगा और 5 सेकंड बाद यहां, तो आप देखेंगे यहां पर इनपुट दिया और आपका फाइनली जब आउटपुट में आपको यही सिग्नल मिलेगा तो कितना डिले हो चुका होगा, 5 सेकंड बाद। अगर मैं ए अप्लाई करूंगा, टी इक्वल टू जीरो पे आपने इनपुट अप्लाई किया तो आउटपुट में आपको ए मिलेगा, हेलो बफर है ना, जो इनपुट में देंगे वही आउटपुट में मिलेगा, यहां भी आपको ए मिलेगा, यहां भी आपको ए मिलेगा, यहां भी ए मिलेगा, यहां भी ए मिलेगा, यहां भी ए, तो फाइनली आपको ए मिलेगा यहां पर कितनी देर के बाद, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और यहां पर फाइनली 5 सेकेंड बाद। तो अगर मैंने टी इक्वल टू जीरो पे अप्लाई किया तो टी इक्वल टू 5 पे मुझे यहां पर ए मिलेगा, कितना डिले हो जाएगा सिग्नल, 5 सेकेंड। क्या मैं लिख रहा हूं, नोट करके लिख रहा हूं, बफर गेट इज यूज टू प्रोवाइड द डिले इन द सिग्नल, टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड द डिले इन द सिग्नल, वी यूज्ड बफर गेट। स्क्रीन छोटा करते हैं, बिल्कुल छोटा कर देते हैं, लो हाउ मच डिले फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां तक जब सिग्नल, ये मेरा मान ली इनपुट सिग्नल और ये मेरा फाइनली आउटपुट सिग्नल है, तो इनपुट से आउटपुट सिग्नल पहुंचेगा कितनी देर के बाद, 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड का डिले हो गया, क्योंकि तो जब मैं इनपुट अप्लाई करूंगा तो 1 सेकंड के बाद यहां पर ए दिखेगा, फिर 1 सेकंड के बाद यहां दिखेगा, फिर 1 सेकंड के बाद यहां दिखेगा, 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद यहां दिखेगा, टोटल यहां से आने में 1 सेकंड, यहां से आने में 2 सेकंड, यहां से 3रा, 4था, 5वां, 5 सेकंड बाद यहां पर दिखेगा, 5 सेकंड बाद। मेरी वाइफ में 5 सेकंड का डिले है, बिल्कुल मेरी वाइफ में 5 सेकंड का डिले होगा, आप तक मेरा सिग्नल पहुंचने में कुछ टाइम लेगा, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन बी टेकन सम टाइम, और जनरली जो डिले होता है उसको हम लोग टीपीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, टीपीडी का मतलब प्रोपोगेशन डिले, सिग्नल को इनपुट से आउटपुट तक प्रोपोगेट करने, प्रोपोगेट मीन्स होता है जाने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड द टीपीडी, दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन डिले टाइम, टीपीडी से मैं रिप्रेजेंट करूंगा आगे चल के प्रोपोगेशन डिले को। प्रोपोगेशन डिले होता है कि इनपुट से आउटपुट टर्मिनल तक सिग्नल को जाने में जो डिले लगा उसको हम रिप्रेजेंट करें। यहां पर मैंने टीपीडी 1 सेकंड लिया है, टीपीडी 1 सेकंड लिया, ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज नॉट गेट। अभी मैं आपको सर्किट भी बनवाऊंगा कि आपका बल्ब वाला स्विचिंग सर्किट क्या होता है, बफर गेट का पहले मैं आपको नॉट गेट, फिर दोनों के गेट बताऊंगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नॉट गेट। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट सिंबल क्या होता है,
लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ट्रुथ टेबल क्या होती है, ये आपके काम का काफी ज्यादा है। टाइमिंग डायग्राम में डिले देगा तो डिले देने के बाद पूछेगा आउटपुट का टाइमिंग डायग्राम, इनपुट का टाइमिंग डायग्राम देगा और आउटपुट का टाइमिंग डायग्राम देगा। तो अगर डिले है तो सबसे पहले क्या करेंगे, नो डिले के लिए आउटपुट की वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। नो डिले की आउटपुट की वेवफॉर्म ड्रॉ करने के बाद जितना भी डिले होगा तो नो डिले वाली वेवफॉर्म को डिले टाइम के बराबर राइट साइड क्या कर दीजिएगा, शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट द वेवफॉर्म राइट साइड बाय द हाउ मच डिले इज प्रोवाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक गेट लिखे नॉट गेट, सेकेंड गेट लिखे नॉट गेट। नॉट गेट इज इंपॉर्टेंट गेट और सबसे टफ गेट यही है, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले भी इसी को पढ़ा रहा हूं। लोगों को लगता है कि गेट बहुत आसान है बट दैट गेट इज वेरी वेरी टफ गेट। ठीक है, इसको समझ पाना सबसे बड़ी बात नहीं है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस गेट से। ठीक है, कान खोल के ध्यान लगा के सुनिएगा जो चीजें मैं बोल रहा हूं। पहले तो हम बात करेंगे नॉट गेट के सिंबल के बारे में। फर्स्ट इज सिंबल, फर्स्ट इज द सिंबल। ठीक है, एक नोट करके आप पॉइंट लिख लो, किसी भी गेट में जो डिले होता है, जैसे एक सेकंड का गेट डिले है, दो सेकंड का गेट, वैसे जो डिले होता है वो नैनो सेकंड में होता है। मैंने तो सेकंड में दिखा दिया क्योंकि मैंने सेकंड में टाइम दे दिया था, लेकिन जनरली जो डिले होता है नैनो सेकंड में होता है। नैनो सेकंड आप समझ भी नहीं पाएंगे, बहुत छोटा टाइम होता है। तो किसी भी गेट का जो डिले होता है उसको हम लोग जनरली टीपीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखे किसी भी गेट के डिले टाइम को, किसी भी गेट के डिले टाइम को जनरली टीपीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टीपीडी, इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन डिले। सिग्नल को प्रोपोगेट करने में, कहां से कहां प्रोपोगेट, इनपुट से आउटपुट तक प्रोपोगेट जाने में जो डिले लग रहा है, टीपीडी का नाम होता है दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन डिले टाइम। प्रोपोगेशन डिले टाइम। ठीक है, प्रोपोगेशन डिले टाइम। फिर क्या फायदा हुए सर, क्या फायदा भैया, कई सारे एप्लीकेशन होंगे जिसमें आपको अपने सिग्नल को इमीडिएटली नहीं प्रोवाइड करना, कुछ डिले के साथ प्रोवाइड करना है। तो डिले प्रोवाइड करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, बफर। अगर बफर नहीं होगा तो फिर डिले कैसे देंगे भाई, अगलापन वाली बातें ना करो, इधर इनपुट हमें डायरेक्ट देना होता। कई सारे एप्लीकेशन है जिसमें हमें मान लो एक सिग्नल अप्लाई किया, दूसरा सिग्नल कुछ देर के बाद देना है, तो यू कैन बी अप्लाई सेकंड सिग्नल जो देर से देना उसमें बफर से उसको पास कर देंगे। ठीक है, चलो डिलो इन माइक्रो। अरे भैया जो है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं उनमें नैनो सेकेंड बहुत बड़ा टाइम होता है। आपकी जो डिवाइसेज हैं वो मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में वर्क करती हैं, पगला गए हो क्या, एक नैनो सेकंड उसके लिए बहुत बड़ा डिले है भाई। ठीक है, फालतू की बातें ना करो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जाके चिप डिजाइन में माइक्रो सेकंड मिली सेकंड डेट इज ये बहुत बड़े टाइम होते हैं। नैनो सेकंड वहां पर मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज इस फ्रिक्वेंसी में चलता है, नैनो सेकंड में डिले होता है। ठीक है, वेरी वेरी ये डिले उसके लिए बहुत बड़ा टाइम होगा। मोबाइल फोन के लिए, तुम्हारा पर जो कंप्यूटर होता है उसमें जो चीजें होती है तो क्लिक करते तुरंत खुल जाती हैं, तो आप देख ले कितनी फास्टली सिग्नल्स जाते होंगे वहां पर। ठीक है, चलो नाउ सिंबल की बात करें। नॉट गेट का सिंबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल। नॉट गेट इज ऑलवेज, मैंने बताया था कि नॉट ऑपरेशन के एक वेरिएबल, दैट इज द वन इनपुट गेट सिग्नल होने वाला है, इसमें केवल एक इनपुट टर्मिनल होता है। तो सिंबल क्या होता है, बफर गेट में आगे क्या कर दो, बबल लगा दो, तो दैट इज नथिंग। बबल जो ऑपरेशन होगा वो हमेशा कौन सा ऑपरेशन करेगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट कर देगा सिग्नल। ठीक है, तो नाउ दिस इज द सिंबल वी यूज फॉर द नॉट गेट। मैंने बफर के आगे क्या किया, एक बबल लगा दिया।
ये बबल लगाया, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये बफर का सिंबल था, बफर के आगे मैंने क्या किया, बबल लगाया, बबल लगाया, ठीक है, बबल लगाया। तो ये जो बबल का मतलब, बबल का मतलब आप कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा, वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट, वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जनरली दिस इज द सिंबल वी यूज फॉर द नॉट गेट। नॉट गेट में हमेशा एक इनपुट होता है, व्हाट द आउटपुट। अगर मैं यहाँ ए दूंगा तो यहां तक तो ए पहुंचेगा, बबल से क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आपका पूछा जाए कि व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द नॉट गेट। नॉट गेट में अगर आप ए अप्लाई करेंगे तो आपके आउटपुट में क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, आपके सिग्नल का इनपुट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। दिस इज अगर ए अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आउटपुट में। दिस इज द एक्सप्रेशन, और ये आउटपुट के एक्सप्रेशन को हम किस रूप में लिखते हैं, वाइस। तो पहला चीज आपको सिंबल क्लियर होना चाहिए, बबल कौन सा ऑपरेशन करता है। बबल अगर कभी लग जाएगा तो दैट इज यूज फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन या फिर नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन मतलब जो भी वेरिएबल जा रहा है, यहां से ए गया, बफर है तो ए ही जाएगा और आगे लगाया, दैट इज बबल। बबल क्या कर देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। दिस इज द सिंबल। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द आपका बूलियन एक्सप्रेशन, दैट इज द बूलियन एक्सप्रेशन या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द नॉट गेट। नॉट गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, वाई या फिर आपका एक ही इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, एक ही वेरिएबल का, दैट इज ए बार। व्हाट द दैट इज ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो अगर मान लो मैं नॉट गेट में इनपुट में, अच्छा इनपुट में अप्लाई करें, किसी भी वेरिएबल की दो वैल्यू हो सकती है, जीरो अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। जीरो अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में वन मिलेगा, वन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, ट्रुथ टेबल, जो भी वेरिएबल अप्लाई करेंगे आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट होता है वन और वन का कॉम्प्लीमेंट होता है जीरो। थर्ड, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट, ट्रुथ टेबल इज नथिंग बट द इट इज द गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप होता है, तो नॉट गेट में इनपुट होता है ए, एंड व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट, ए बार। बूलियन आउटपुट के एक्सप्रेशन को हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू होती है ए बार। तो अगर बेटा आप नॉट गेट में जीरो अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आउटपुट में, उसका कॉम्प्लीमेंट, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, वन अप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा जीरो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज हम कई सारे नॉट गेट को हम लोग कैस्केडिंग में कनेक्ट करने, कैस्केडिंग में कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब कैस्केडिंग का मतलब होता है, नॉट गेट को कैस्केडिंग का मतलब कि एक नॉट गेट का आउटपुट टर्मिनल दूसरे के इनपुट, नॉट गेट के इनपुट से कनेक्ट कर देंगे, दूसरे का जो आउटपुट है वो तीसरे के इनपुट से कनेक्ट कर देंगे, कैस्केडिंग करने जा रहे हैं। दो टाइप की कैस्केडिंग कर सकते हैं आप, इवन नंबर के नॉट गेट्स को कैस्केडिंग कर सकते हैं, ऑड नंबर के नॉट गेट्स को भी कैस्केडिंग में कर सकते हैं। अभी हम फीडबैक के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी फीडबैक भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो पहले हम लोग बात करें टाइमिंग डायग्राम के बारे में, बात करें टाइमिंग डायग्राम। चलो चलो पहले टाइमिंग डायग्राम में आपको बना देता हूं, आपसे ही पूछता हूं। ये बताओ अगर मेरा इनपुट जीरो होगा तो नॉट गेट के आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट वन, और अगर बेटा इनपुट वन होगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो जहां इनपुट जीरो होगा वहां आउटपुट वन होगा, और जहां पर बेटा इनपुट जीरो होगा वहां पर आउटपुट वन होगा, और जहां पर बेटा मेरा इनपुट वन होगा वहां पर आउटपुट कितना होगा, जीरो। लाइक सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन इज अलग एंड कैस्केडिंग इज अलग। ये कहां बोल दिया, सीरीज कनेक्शन कैस्केडिंग कनेक्शन सेम होता है, ठीक है। सिस्टम में कैस्केडिंग कनेक्शन होता है, एलिमेंट में सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है। दिस इज ए सिस्टम, दिस इज वन सर्किट विल बी देयर, दिस इज नॉट ए एलिमेंट, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हो। चलो यहां पर आ जाओ, जैसे टाइमिंग डायग्राम बना लो, टाइमिंग डायग्राम,
ठीक है चलो। बहुत सिंपल होने वाला है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट इज वेरी वेरी सिंपल। ये सब्जेक्ट मैंने अपने जमाने में जब स्टार्टिंग की थी टीचिंग तभी पढ़ाया था दोबारा, और इतना सरल सब्जेक्ट था कि मेरा पढ़ाने का मन ही नहीं हुआ दोबारा कि अब इसमें 0101 में क्या पढ़ाए है? दैट इज ए वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट। चलो नाउ दिस इज द इनपुट सिग्नल ऑफ द, कौन सा सिग्नल है? इनपुट सिग्नल है किसका? नॉट गेट में। नॉट गेट में जो मैं इनपुट सिग्नल अप्लाई करूं दिस इज द वेव फॉर्म। मान लो ये वन है, टी इक्वल टू जीरो पे मेरा इनपुट सिग्नल वन से जीरो पे चेंज हो रहा है, फिर वन हो रहा है। नॉट गेट में जो आउटपुट होगा वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर इनपुट मेरा जीरो है तो आपको आउटपुट में वन मिलेगा, इनपुट अगर मेरा वन है तो आउटपुट में आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, नाउ दिस इज टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू फाइव, टी इक्वल टू टेन, टी इक्वल टू पंद्रह, टी इक्वल टू बीस। ठीक है चलो, आपको नॉट गेट के आउटपुट का क्या करना है? वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, टाइमिंग डायग्राम ऑफ आउटपुट। और मैं मान के चला कि नॉट गेट में कोई भी डिले नहीं, नो डिले, आउटपुट की वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूं फॉर नो डिले। नो डिले मतलब जैसे ही इनपुट चेंज होगा वैसे आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। चलो ये बताओ, आपका जो नॉट गेट होता है उसमें जो आउटपुट होता है वो आपके इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। अगर इनपुट मेरा वन है तो आउटपुट कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहां मैं दिखा देता हूं, नाउ दिस इज वन जीरो, वन जीरो, दिस इज वन एंड दिस इज जीरो। ठीक है, तो जहां भी मेरा इनपुट आपका जीरो, आपका जो है जहां मेरा इनपुट होगा वन वहां आउटपुट मेरा होगा जीरो, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट ना, कॉम्प्लीमेंट। जहां पर मेरा इनपुट जीरो है वहां पर मेरा आउटपुट कितना होगा? वन। अभी कोई भी डिले नहीं है तो जैसे ही इनपुट चेंज होगा वैसे आउटपुट तुरंत चेंज हो जाएगा। इनपुट मेरा वन है तो आउटपुट मेरा जीरो हो जाएगा, इनपुट मेरा जीरो है आउटपुट मेरा वन हो जाएगा। दिस इज इनपुट मेरा वन है आउटपुट मेरा जीरो हो जाएगा। दिस इज द टाइमिंग डायग्राम फॉर आउटपुट। मान लीजिए डिले होता, मेरा जो नॉट गेट है उसमें डिले है, जीरो है तो दिस इज वन, नाउ दिस इज 20। अगर मान लीजिए मेरे नॉट गेट में 2 सेकंड का डिले, कितने का डिले है? 2 सेकंड का डिले है। अगर आपके नॉट गेट में 2 सेकंड का डिले है तो आपके आउटपुट की वेवफॉर्म क्या होगी? लेट 2 सेकंड डिले। तो अगर मैं इनपुट अप्लाई करूंगा तो आउटपुट कितनी देर के बाद दिखेगा? दो। तो मान लो टी इक्वल टू जीरो पे मेरा इनपुट है जीरो तो आउटपुट मेरा जो है वन, अगर मेरा इनपुट जीरो तो आउटपुट वन होगा, लेकिन कितनी सेकंड के बाद? 2 सेकंड के बाद। तो आपको क्या करना है, नो डिले वाली वेवफॉर्म को 2 सेकंड आपको राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। नो डिले वाली पहले वेवफॉर्म बना ली, डिले दिया था, डिले दिया तो पहले नो डिले वाली वेवफॉर्म बनाएंगे, नो डिले वाली है। अब आपने क्या किया, डिले कितना है? 2 सेकंड। तो आप नो डिले वाली वेवफॉर्म को, आउटपुट की नो डिले वाली वेवफॉर्म को आप क्या कर दीजिए, 2 सेकंड राइट साइड पे, 2 सेकंड पे राइट साइड पे, तो ये वैल्यू 2 सेकंड आगे आ जाएगी, 2 सेकंड आगे आ जाएगी, 2 सेकंड। तो बेटा इनपुट अगर बेटा टी इक्वल टू फाइव पे 0 से 1 पे जा रहा है तो मेरा जो आउटपुट है वो टी इक्वल टू 7 पे आपका जो है 1 से 0 पे आएगा। ये अगर 0 से 1 है तो ये आपका 1 से 0 आएगा कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपकी वेव फॉर्म बन जाएगी 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड बस राइट साइड शिफ्ट कर दिए, 2 सेकंड। 5 आ जाएगा 7 में, 10 आ जाएगा 12 में, 15 चला जाएगा 17 में, 20 चला जाएगा 22 में, बस हो गई वेवफॉर्म। देखो कितना आसान है, इसको लोग बोलते हैं बहुत टफ है कि सर डिले दे दिया कैसे बनेगा। अरे सोचना ही नहीं है, आइडियल मान के बना डालो, जितना डिले उतना राइट साइड पे शिफ्ट करो। नाउ दिस इज टी इक्वल टू 2, टी इक्वल टू 7, टी इक्वल टू 12, 2 सेकंड राइट साइड पे चला गया हर एक पॉइंट।
इक्वल टू 22। हर एक पॉइंट आपका 2 सेकंड आगे चला जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट में जो चेंज आएगा, इनपुट में जो चेंज आएगा वो चेंज आउटपुट में 2 सेकंड के बाद दिखेगा, ठीक है। इनपुट में जो चेंज आ रहा है वो सेकंड आपको 2 का डिले ना, 2 सेकंड बाद आउटपुट में चेंज दिखेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडिंग डाल, इसको पहले लिखिए। ये टाइमिंग डायग्राम है, ये विदाउट डिले, दिस इज अ डिले। ये तो बहुत सिंपल है, संदीप बोल रहे हैं। तो भैया जो चीज टफ होती है वो सिंपल ही तो होती है, लोग हवा बना देते हैं कि दैट इज ए वेरी वेरी टफ। टफ कुछ नहीं है अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, और आपको कॉन्सेप्चुअल ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, टेंशन नहीं लो। चल नेक्स्ट हेडिंग डालें, हो गए, आगे चलें, बस खत्म होने वाला है, टेंशन नहीं लो, लाइब्रेरी बंद होने वाली है, 10 मिनट में लेक्चर भी खत्म होने वाला है, ठीक है। आ जाओ, कौन सी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी तो रात भर खुली रहती है, मजा आ रहा है, अरे मजा आएगा, परेशान नहीं। सौरभ कह रहा है कि सर जब पढ़ाने वाला ही चाणक्य हो तो क्या टफ सब्जेक्ट है, तो मुझको चाणक्य बना दिए हो। चलो कोई बात नहीं, चाणक्य हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो है चीजें समझ में आनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कोई रो रहा है जो है, वेरी गुड। चलो लिखो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें डिस्कस करने हैं नॉट गेट में जो टफ होती है, ठीक है। पहला चीज हम लोग लिखने वाले हैं, लिखे कैस्केडिंग कनेक्शन ऑफ नॉट गेट्स। आप नॉट गेट्स को कैस्केडिंग में कर सकते हो। अब देखो, इवन नंबर में भी कैस्केडिंग कर सकते हो, ऑड नंबर में, दोनों में रिजल्ट अलग अलग आएगा। जब मैं आपके नॉट गेट की कैस्केडिंग का मतलब होता है पहले के नॉट गेट के आउटपुट को दूसरे के इनपुट में, और दूसरे के नॉट गेट के आउटपुट को तीसरे के इनपुट में। तो पहले मैं क्या करूं, केस नंबर वन, 2 केस बनेंगे और उसमें फीडबैक वाली चीजें दिक्कत हो जाती है, लेकिन उसको डिस्कस करने में कुछ टफ नहीं है। केस नंबर वन, तुम्हारा आंसर क्या था भाई, गैलेक्सी M3, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था मुझको दिखा ही नहीं। चलो केस नंबर वन, चलो जब हम कैस्केडिंग में कर रहे हैं, नॉट गेट की कैस्केडिंग कर रहे हैं, लेकिन नॉट गेट की कैस्केडिंग में हम आउटपुट में डिले क्यों चाहते हैं। अरे भैया बताए तो आउटपुट में डिले क्यों चाहते हैं। कई बार ऐसा आपको सिग्नल, जैसे मान लो 2 सिग्नल अप्लाई करना है, पहला सिग्नल आपको T=0 पर अप्लाई करना है, दूसरा सिग्नल 2 सेकंड के बाद अप्लाई करना है। तो आपने दोनों सिग्नल दिए, लेकिन पहला सिग्नल डायरेक्ट आपने अप्लाई किया, दूसरा सिग्नल में 2 सेकंड का डिले चाहिए, तो हम उसको पास कर देंगे किससे, एक बफर गेट से, जिसका डिले टाइम होगा 2 सेकंड के बाद। तो जब वो बफर से पास होगा तो 2 सेकंड के बाद पहुंचेगा। अरे एग्जाम्पल साथ बता दिया ना तुमको भैया यार, जो है अब तुम यहाँ कंप्यूटर डिजाइन में थोड़ा बैठे हो, मैं तुमको जो है यहाँ पर सारा का सारा जो है चिप डिजाइन दिखाऊं। मैंने बता दी कि डिले का रिक्वायरमेंट है, तो वी विल प्रोवाइड द डिले। चलिए हाँ, केस नंबर वन दैट इज कैस्केडिंग कर रहे हैं ऑड नंबर ऑफ गेट्स की, कैस्केडिंग ऑफ कैस्केडिंग द ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट। अगर मैं नॉट गेट को ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट की कैस्केडिंग कर दूंगा, तब ये आपका जो सर्किट होता है वो कैसे बिहेव करता है, इन्वर्टर की तरह की बफर की तरह, ये हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। चलो ऑड नंबर में आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, चलो मैं दोनों में दिखा देता हूं, 1 भी ले सकते हैं। यहां पर मैंने पहला नॉट गेट किया, पहले नॉट गेट के आउटपुट को मैंने दूसरे नॉट गेट के इनपुट में अप्लाई किया, और बेटा दूसरे नॉट गेट के आउटपुट को मैंने तीसरे नॉट गेट के इनपुट, यहां पर ये तीनों के तीनों नॉट गेट किस में कनेक्ट है, कैस्केडिंग में कनेक्ट है। दिस इज द कैस्केडिंग कनेक्शन ऑफ नॉट गेट।
अभी कोई भी मैंने फीडबैक नहीं प्रोवाइड किया, विदाउट फीडबैक बात कर रहा हूं, नहीं है लूप के लिए अलग केस बनेंगे। तो अगर आप ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट को कैस्केडिंग में कनेक्ट करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपका कैसे कहलाता है, दैट इज आपका कहलाएगा दिस इज नथिंग बट द, चलो चेक करते कैसा कहलाएगा। चलो अगर मान लीजिए यहां पर हेलो इस मैं अगर मैं ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट को कैस्केडिंग में कनेक्ट करूंगा तो ये ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट का जो कैस्केडिंग कनेक्शन है वो कैसे सर्किट कहलाएगा। ठीक है चलो इनपुट में दिया, इनपुट मैंने दिया ए, तो इस नॉट गेट के आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, हेलो अगर यहां ए दिया तो यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो क्या मिलेगा यहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ए बार, ए बार जब इसमें जाएगा तो ए बार का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज यहां पर क्या मिलेगा ए, और बेटा जब ए इस नॉट गेट से पास करेगा तो क्या मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट, क्या मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, अगर मैंने ए अप्लाई किया तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, इनपुट वेरिएबल का उल्टा मिल रहा है, तो दैट इज नथिंग बट द इन्वर्टर, इट इज बिहेविंग लाइक इन्वर्टर। कैस्केडिंग ऑफ ऑड नंबर ऑफ गेट इज नथिंग बट, अगर मैं ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट को कैस्केडिंग में कनेक्ट करूंगा तो इट इज बिहेविंग लाइक इन्वर्टर, अगर यहां मैं जीरो अप्लाई करता तो यहां पर मिलता वन, वन का जो है वन को जब मैं नॉट गेट से पास करता तो दैट इज आपका मिलता जीरो, और जीरो जब नॉट गेट से पास करता दिस इज वन, तो जीरो अप्लाई के यहां पर क्या मिला वन, तो इट इज बिहेविंग लाइक एन इन्वर्टर। चलो चलो मैं ऑड नंबर में कोई और सीक्वेंस ले लेता हूं, पांच नॉट गेट को कैस्केडिंग में कनेक्ट कर देता हूं, अगर ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट कैस्केडिंग में कनेक्ट होंगे तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करता है। चलो इन्वर्टर की तरह, अगर किसी को दिक्कत है तो आप जीरो पर लेके जीरो भी कर सकते हैं, चलो मान लो यहां पर आप जीरो अप्लाई करते जीरो तो इस नॉट गेट के आउटपुट में क्या मिलता, अगर नॉट गेट के इनपुट में आप जीरो देंगे तो आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो यहां पर क्या मिलता आपको वन, यहां पर मिलता आपको वन, वन अप्लाई करते तो इस नॉट गेट के आउटपुट में आपको मिलता जीरो, और जीरो यहां पर इनपुट में मिला तो क्या मिलेगा वन, तो इनपुट में इस कॉम्बिनेशन में इनपुट में जीरो की तो आउटपुट में उसका इन्वर्टर मिल रहा है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। यहां पर अगर मैं ए अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखिए ए अप्लाई करूंगा तो यहां मिलेगा ए बार, यहां पर ए, फिर ए बार ए, एंड दिस इज ए बार। चलो वन के लिए भी दिखा देता हूं, ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट आर कनेक्टेड इन कैस्केडिंग, चलो कैस्केडिंग मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है यहाँ पर दिखना चाहिए कि अगर आप जो है कैस्केडिंग करें ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट तो इट इज बिहेविंग लाइक ए इन्वर्टर, इट इज बिहेविंग लाइक ए इन्वर्टर, इट इज बिहेविंग लाइक इन्वर्टर। लोग इसको पढ़ाने के बाद बोलते हैं देखा हमने क्या बता दिया, अरे कुछ नहीं बता दिया भाई, इन्वर्टर ही आ रहा है। ए अप्लाई करेंगे तो अगर ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट, हेलो ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट कैस्केडिंग में है तो वो हमेशा इन्वर्टर है, तो अगर ए अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट में ए कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगा। वेरिएबल में भी चेक करा देता हूं, मान लो यहां पर हमने वन अप्लाई किया तो अगर इन्वर्टर के या फिर आपका नॉट गेट के इनपुट में अगर वन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में कॉम्प्लीमेंट जीरो, जीरो अप्लाई करेंगे इनपुट में तो कॉम्प्लीमेंट वन, वन अप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो अप्लाई करेंगे तो वन, और वन अप्लाई करेंगे जीरो। तो ये इनपुट था और ये आउटपुट है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। केस नंबर टू, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, कैस्केडिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ नॉट गेट, दो ही नंबर कनेक्ट रहे तो इवन नंबर में नॉट गेट होंगे या फिर ऑड नंबर में होंगे, तो ऑड में देख चुके हैं, इवन में बात करते हैं। आज 12 बजे तक पढ़ा है, मजा आ रहा हूं, 12 बजे तक तो पढ़ा दे लेकिन तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे। नॉट गेट को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं भैया, कैस्केडिंग में कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट करके क्या करोगे अभी जो है, ठीक है अभी जितना बता रहे उतना सुनो। चलो कैस्केडिंग द इवन नंबर ऑफ
नॉट गेट। अगर मैं इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स को कैस्केडिंग में कनेक्ट कर दूं तो ये कैस्केडिंग कनेक्शन कैसे सर्किट पे बिहेव करेगा? इट इज बिहेविंग लाइक ए बफर। चलो कैस्केडिंग इवन नंबर है मतलब दो कनेक्ट कर देते हैं, पहले दो के लिए देख लेते हैं। यहां पर मैंने नॉट गेट को कैस्केड, लेकिन कितना नंबर है? इवन नंबर है। अगर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट को आप कैस्केडिंग में कनेक्ट करेंगे तो ये आपका कैसे बिहेव करेगा? चलो अप्लाई करते हैं इस कॉम्बिनेशन में इनपुट। ए अप्लाई किया तो यहां पर क्या मिलेगा? इस नॉट गेट के आउटपुट में ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर ए कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे किसी नॉट गेट के इनपुट में तो उसका कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज अगेन ए, दिस इज ए। तो ये बताइए अगर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट कैस्केडिंग में कनेक्ट है तो ए अप्लाई करने पे क्या मिल रहा है? ए, सेम ना। तो दैट इज जिसमें आपने इनपुट में ए दिया आउटपुट में मिले तो वो कैसा सर्किट बिहेव करेगा? बफर। इनपुट दिया ए, आपको आउटपुट में ही मिले तो आप बोलेंगे यार जो दिया वही मिल गया, तो इट इज बिहेविंग लाइक ए बफर, जो देंगे वही आएगा, दिस इज बिहेविंग लाइक ए बफर। जैसे मान लीजिए यहां पर ए की वैल्यू ले लेते हैं जीरो, तो इस नॉट गेट के आउटपुट में क्या मिलेगा? वन, उसका कॉम्प्लीमेंट। और वन जब इनपुट में देंगे तो कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेगा? जीरो। तो जीरो देने पे जीरो मिला। चलो अब जो है चार कनेक्ट कर देते हैं, इवन नंबर कनेक्ट करने ना, दो की जगह चार कनेक्ट कर दिया, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार नॉट गेट को अगर हम लोग कैस्केडिंग में कनेक्ट करेंगे तो ये कैस्केडेड कनेक्शन, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट का कैस्केडिंग कनेक्शन, ये इवन नंबर का नॉट गेट का कैस्केडिंग है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे सर्किट कर रहा है? दैट इज अगर मान लीजिए यहां पर ए अप्लाई किया तो यहां पर क्या मिलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया नॉट गेट में क्या मिलेगा? ए। ए अप्लाई किया ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे नॉट गेट में तो आउटपुट में क्या मिलेगा? ए। ठीक है, तो जो अप्लाई किया इनपुट में वही आउटपुट में मिल रहा है। अगर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट कैस्केडिंग में, अगर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट कैस्केडिंग में है तो जो देंगे आउटपुट में वही मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं एक वैल्यू के लिए, वन अप्लाई, मान लो ए की वैल्यू कितनी, वन है, जीरो हो सकती है फिर वन किसी एक लिए। वन अप्लाई करेंगे नॉट गेट के आउटपुट में क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट, जीरो। जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, जो दिया वही मिला। तो यहां पर लिखेंगे अगर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट कैस्केडिंग में कनेक्ट है तो ये जो इवन नंबर ऑफ नॉट गेट अगर कैस्केडिंग तो दैट सर्किट इज बिहेविंग लाइक ए बफर। तो लिख रहा हूं इट इज बिहेविंग लाइक ए बफर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सभी गेट में होगा, प्रोपोगेशन डिले सब में होगा, यहां हर एक गेट में आपका प्रोपोगेशन डिले होगा, ऐसा नहीं कि बफर में, हर एक गेट में, हर एक गेट में जब आप इनपुट देंगे तो आउटपुट आने में कुछ टाइम लगेगा, बफर में भी आपका प्रोपोगेशन डिले होगा, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। हाँ भैया तो लिखा तो है 99 ऑड नंबर होता है। अगर मान लो एक बच्चा बोल रहा है, पूजा बोल रही है कि सर 99 बार वन होगा और जीरो आएगा ना सर, कहां पर लिखा? अरे भैया अगर इवन नंबर बार है तो आपको आंख बंद करके लिखना है, अगर ए अप्लाई किया तो आउटपुट में ए, बस चेक करो कितना इवन है। अगर इवन नंबर ऑफ बफर गेट लगे हैं तो आउटपुट में ए लिखना है, ऑड नंबर ऑफ बफर गेट लगे हैं तो आउटपुट में ए बार लिखना है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? केवल नंबर गिनने आपको, इवन है कि ऑड है, कैस्केडिंग कनेक्शन ऑफ नॉट गेट। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज आपका जो है नॉट गेट को किसमें कनेक्ट करें? लूप में कनेक्ट कर, फीडबैक आ रहे, और फीडबैक आते ही दुनिया बदल जाएगी। फीडबैक जैसी आ जाएगा तो नॉट गेट की दुनिया बदल जाएगी, और वहीं से क्वेश्चन आता है। चलिए आज के इतने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, कल आपका मॉर्निंग में मिलेंगे 10 बजे से। स्क्रीन छोटा कर दे, बिल्कुल छोटा किए दे रहे हैं। कौन बोला कि मैं टाइम नहीं देता ऑनलाइन में लिखने का? लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लो लिखो, आराम से लिखो।
मैं आपको पीडीएफ सेंड भी कर देता हूँ, अगर किसी को लिखने की दिक्कत है। ईसी वालों की क्लास 10 बजे से है कल, मैथ की पहले क्लास चलेगी, फिर आपकी जो है सिग्नल की क्लास होगी। आई कैन बी सेंड द पीडीएफ आल्सो, ठीक है, सेंड कर देता हूँ, यहीं से सेंड कर रहा हूँ, रुक जाओ। पीछे वाले लिखना है, लिखो लिखो, चलो ईसी वालों को 12 बजे आना, इलेक्ट्रिकल वालों को 10 बजे आना।